यस, गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे इज 4 नवंबर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी सेशन. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सी फर्स्ट स्लाइड. सिलेबस फॉर ज्योग्राफी एंड एनडी एग्जामिनेशन यू कैन सी. ओके, सी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट गिवन. अर्थ एंड इट्स ओरिजिन एंड मूवमेंट. लगी आने वाले किसका माइक चालू है? प्लीज म्यूट योर सेल्फ. यू हैव जॉइन व्हाट? टेक दिस मी. वेट अ सेकेंड, ना 2 मिनट. Yes, all of you see on slide what is the first point, Earth and its origin. Okay, so Earth में क्या आएगा? मीन्स ओरिजिन कैसे हुई अर्थ की? यस, आप लोगों ने वो सुना है क्या, बिग बैंग थ्योरी? यस मैम यस, सो इट इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ. ओके, वीडियो इज विजिबल. ओम. प्रॉपर है क्या? बताना 1 मिनट थोड़ा. है प्रॉपर ना? और यहाँ पे नीचे क्या तो दिख रहा है क्या? साइड ओके. चार्जर है ना? ओके, मैम से ले लो चार्जर. ओके, तो हमें क्या देखना है? ओरिजिन ऑफ अर्थ. उसमें हम क्या देखेंगे? बिग बैंग थ्योरी. नेक्स्ट वी हैव टू सी नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस मीन्स व्हाट? देयर वाज अ गैस और क्लाउड, उससे क्या हुआ है? प्लैनेट्स प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म हुए. तो हमें देखना है कि प्लैनेट्स कैसा फॉर्म हुआ है, अर्थ कैसा फॉर्म हुआ है. ओके, एंड इट्स ओरिजिन एंड मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट में क्या आएगा? मूवमेंट में क्या आएगा? अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन. राइट. ओके, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन. एंड अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन. तो फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या देखना है? अर्थ की ओरिजिन, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, आप लोगों ने सुना रहेगा. सेकेंड, रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, डे और नाइट कैसे होते हैं. अभी हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं, राइट? समर सीजन, विंटर सीजन, तो वो क्यों होते हैं? इट इज रिलेटेड टू अर्थ. ठीक है, अर्थ अगर सन के नजदीक है तो क्या होता है हमारे यहाँ पे? समर. दूर रहेगा तो विंटर. ओके ओके, एनीवन नोस व्हाट इज लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड? द फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. यस, तो हाँ, ऐसे मीन्स व्हाट? के अंदर हॉरिजॉन्टल टाइप होता है. ओके ओके, अच्छा, आप लोगों ने ग्लोब देखा है? ग्लोब अर्थ का मॉड्यूल छोटा सा रहता है. देखो, अर्थ का मॉड्यूल, मोड.
अर्थ अर्थ का छोटा सा मॉडल आता है, ठीक है, उसको ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होंगे कुछ कुछ ऐसी लंबी लाइन रहती है, कुछ कुछ ऐसा पैरेलल लाइन रहती है, इक्वेटर, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या है? फुल सर्कल्स जो इक्वेटर के पैरेलल पे जाते हैं। और लॉन्जिट्यूड क्या है? जब वर्टिकल लाइंस देखोगे, ठीक है। अभी ऐसा क्यों बनाया गया है? सच में ऐसा अर्थ में लाइन है क्या? नो, इट इज इमेजिनरी लाइंस। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इज व्हाट? इट इज अ इमेजिनरी लाइंस। और इसका क्या बेनिफिट होगा? हमने क्यों लाइन बनाए है ऐसा अर्थ के ऊपर? एनीवन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड? मैम, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर यूज टू फॉर्म कोऑर्डिनेट्स। यस, वेरी गुड। ओके, क्या आंसर दिया इन्होंने? लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर यूज टू फॉर्म कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स मिलता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं? कोई भी लोकेशन जो है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं ना कि ये कंट्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में इतने डिग्री सेल्सियस एक्सिस पे है। अभी हमारी जो इंडिया है, ठीक है, अब उसका हम क्या बोलते हैं? इंडिया इज लोकेटेड ऑन 82 डिग्री एंड 35 इंच। ये क्या है? ये लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यूज है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी कंट्री या कोई भी लोकेशन है उसको क्या करते हैं, हम ट्रेस करते हैं। ओके, हम खाली ओवरव्यू देख रहे हैं सिलेबस का कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, रॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। रॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? ओके, रॉक्स तो हमने, हमको पता है रॉक्स। ओके, एनीवन नोस टाइप्स ऑफ रॉक्स? रॉक्स के भी टाइप होते हैं अलग अलग, सुना है क्या? यस, बोलो। नो, कोरल इज एन ऑर्गेनिज्म। या कोरल क्या है? कोरल इज एन ऑर्गेनिज्म, वो जो आप मर जाता है कोरल। म्यूट करो। ओके, ये सुना है क्या? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक, ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। ये सब नाम सुना है कभी? स्कूल में पढ़ा होगा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस यस मैम। यस, सुना है ना? कितने टाइप के रॉक्स होते हैं? देर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला कौन सा होगा? इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन पता है सब लोगों को, लावा, ज्वालामुखी फटता है, फिर उसके यहाँ से लावा निकलता है, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे कूल हो जाता है और क्या बन जाता है? दगड़ बन जाता है, ठीक है। तो उस रॉक को क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। इग्नियस का मतलब क्या होता है? जलता हुआ। इग्नाइट, इग्नाइट वर्ड सुना रहेगा, किसके लिए यूज होता है? फायर के लिए। तो किससे बना है ज्वालामुखी? वो ज्वाला जो ठंडा होता है, इसके लिए वो रॉक का नाम क्या दिया है? इग्नियस रॉक। अभी उस रॉक को, मतलब पानी, बारिश हो रही है, हवा आ रही है, तो कुछ चेंजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। तो सेकंड टाइप क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, कितने हाइट पे बराबर है क्या वीडियो? हाँ बराबर। बराबर है ना? ओके, सो फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा? इग्नियस। सेकंड क्या था? मेटामॉर्फिक। एंड थर्ड क्या रहेगा? सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंट्स में क्या होता है? लेयर्स ऑफ रॉक रहते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये 3 टाइप ऑफ रॉक्स ये हम सेकेंड टॉपिक में देखेंगे। अभी थर्ड देखो क्या है पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी इसमें एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोपन। कोपन ने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया है। तो उसने पूरे अर्थ को 9 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटर है तो वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा? इक्वेटर के लिए क्या वर्ड बोलते हैं हम? ट्रॉपिक। ट्रॉपिक सुना रहेगा, ट्रॉपिकल कंट्रीज। इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, ठीक है। इंडिया से अभी कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वेटर। यस यस, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर? यस, अनुराग, चित्राक्ष, जिगीशा, प्रद्युम,
यस मैम, हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? विच लेटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? इज इट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इज इट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इज इट इक्वेटर? इंडिया से क्या पास होता है, विच लेटिट्यूड पासेस? या क्लासरूम स्टूडेंट का मैम राइट ट्रॉपिक आंसर, ऑफ कैंसर। यस, वेरी गुड, राइट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, ठीक है. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल पार्ट, सब ट्रॉपिकल पार्ट, सॉरी, सब ट्रॉपिकल पार्ट. और जो सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, मीन्स इक्वेटर के नजदीक है, वहां पे गर्मी ज्यादा होगी. इसे आप लोगों ने देखा रहेगा कि साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा है, ठीक है, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा है ना, एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह में कितनी ठंडी पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है. ऊपर मतलब क्या, पोलर रीजन के थोड़ा नजदीक. और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, अर्थ के नजदीक. तो वहां पे क्या होता है, सन की रेज ज्यादा आ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है. ओके, सो इंडिया का याद रखना है, सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्री नहीं है इंडिया, सब ट्रॉपिकल पार्ट भी है इंडिया का, ठीक है. किसकी वजह से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट द इंडिया, डिवाइडेड इंटू इंडिया इंटू टू पार्ट, दैट इज ट्रॉपिकल नीचे, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा रहती है, उससे आप लोग याद रखोगे ट्रॉपिकल नीचे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल. ओके, ठीक है. और पोल्स, पोल्स पे आप लोगों ने सुना रहेगा, आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिका, वहां पे कैसे रहते हैं, बर्फ रहती है ना हमेशा, तो वहां पे क्या रहेगा, ठंडा क्लाइमेट रहेगा, पोलर क्लाइमेट उसको बोलते हैं, ठीक है. दैट वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर. अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है. इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, ऑल ऑफ यू नोज, राइट. 48% पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. सो एग्रीकल्चर की भी अलग अलग टाइप्स होती है. अभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग? यस, पता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है सबको, यस ग्रीन मैम, रिवॉल्यूशन एवरीवन नोज ना, यस. तो उसमें हमने क्या किया, फर्टिलाइजर डाला, ओके, ताकि क्या हो, प्रोडक्शन बढ़े, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, मतलब ऐसी बीजों का यूज करना जिससे ज्यादा उत्पादन हो, ये किया, ठीक है. फिर क्या क्या हमने इरिगेशन किया, तो इसके वजह से क्या हो गया, अर्थ पे, धरती पे क्या हो गया, ज्यादा फर्टिलिटी कम हो गई, सॉइल सलाइन हो गए, ठीक है. तो अभी क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स वॉट, क्लोज कर देना दो. हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो भी किया उसका उल्टा, मतलब नो केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, नो इरिगेशन, कुछ भी नहीं. अभी तो आप लोगों ने नेचुरल फार्मिंग देखा है, और खिड़की भी बंद कर गए, बहुत वॉइस आ रही है. हाँ, ओके, वेयर वर वी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट. अरे यस, व्हाइट रिवॉल्यूशन, यस अनुराग, व्हाइट, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्शन व्हाइट मीन्स क्या, मिल्क, मिल्क रिवॉल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क. अमूल सुना है आप लोगों ने, अमूल पता है, ठीक है. सो अमूल ही तभी आया था जब व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था इन 1970s में. ये जो मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वर्गीस कुरियन का नाम सुना है क्या, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन नहीं है, सुना है, इट इज द, ही इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है. ये जो अमूल का आप मिल्क वगैरह लेते हो, वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था. अमूल जो मिल्क प्रोडक्शन है, इट वाज स्टार्टेड बाय वर्गीस कुरियन ओनली. कभी कभी बीच में उनका फोटो भी आता था वो मिल्क के ऊपर, के 50 ईयर्स इतना हो गया व्हाइट रिवॉल्यूशन को, इतना उसकी जो एनिवर्सरी थी, तो उसके ऊपर वर्गीस कुरियन के फोटो भी आते थे. तो याद रखना है नाम, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीस कुरियन. उसके बाद से ही अमूल वगैरह का जो स्प्रेड होना चालू हुआ. पहले अमूल का दूध था क्या? नहीं, आपको कैसे, बॉटल वगैरह में मिलता था, डेयरी से मिलता था, ठीक है.
ओके अनुराग, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क एंड हाँ वेर एवर वी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. तो एग्रीकल्चर में हमें ये देखना है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों ने सुना रहेगा, सब्सिस्टेंट फार्मिंग है, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, मतलब जिसमें कंपनीज इन्वॉल्व होती है, प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है एग्रीकल्चर के फार्मर्स के साथ. अभी आप लोगों को लेस पता है, पोटैटो के जो लेस आते हैं, अब उसमें क्या करती है, ये जो प्राइवेट कंपनीज है फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप लोग ये जो पोटैटो है वो उगाओ, फिर हम बाद में आपसे ले लेंगे. सो ये किस में आ जाएगा, हाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू सी फिफ्थ पॉइंट क्या है, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स. अभी टाइड्स क्या होती है, हाँ टाइड इज बेसिकली लहरें, जो समंदर में लहरें उठती है ना उसको हम टाइड्स बोलते हैं. लो टाइड, हाई टाइड किसकी वजह से होता है, यस वेरी गुड, टाइड्स किसके वजह से होते हैं, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, आप लोगों को पता है मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सो मून की जो ग्रेविटी है, जो अर्थ पे इफेक्ट पड़ता है, वो क्या करता है, समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. सो टाइड अकर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. ठीक है, तो हमें हाई टाइड, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ये सब टाइड्स देखना है. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, ओशियन करंट. ठीक है, अभी टाइड्स हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर्स के लिए. अभी करंट क्या होता है, ये भी ओशन में ही है, करंट क्या है, धीरे धीरे पानी जो है वो बह रहा है, दैट इज करंट. अभी अभी मुझे ये बताओ, इक्वेटर के नजदीक ओशन करंट कोल्ड रहेगा कि वार्म रहेगा, और पोलर रीजन पे ओशन करंट कोल्ड रहेगा कि वार्म रहेंगे. ओके यस यस, ओशन करंट्स विल बी वार्मर ड्यूरिंग नियर द इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर पे क्या होगा, वार्म ओशन करंट्स मिलेंगे, पोलर रीजन पे क्या रहेगा, कोल्ड ओशन करंट्स मिलेंगे. तो अभी हमें देखा दो टाइप से ओशन करंट के, एक वार्म दूसरा कोल्ड. अभी इसमें भी नाम है अलग अलग, इंडियन ओशन करंट, सोमालिया करंट, लेबराडोर करंट, कैलिफोर्निया करंट. अभी कैलिफोर्निया नाम देखो कहाँ का है, यूएसए, ठंडा प्रदेश है, तो वो क्या होगा, कोल्ड करंट होगा. सोमालिया कहाँ पे आया, सोमालिया पहली बार सुना है, अच्छा ओके ठीक है, इट इज एन अफ्रीकन कंट्री का नाम है. सोमालिया इज द नेम ऑफ एन अफ्रीकन कंट्री. यस, अफ्रीका में कैसा है, एकदम गर्म प्रदेश है, तो वो क्या हो जाएगा, वार्म करंट हो जाएगा. तो आप लोगों को सब याद करना है, एक 10-12 ओशन करंट वार्म करंट है, सेपरेटली आप लोगों को पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट. ओके नेक्स्ट देखो क्या है हमारे सिलेबस में, द एटमोस्फियर एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके, एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स वॉट, यस एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स वॉट, एयर से रिलेटेड है. या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स व्हाट, एटमॉस्फेयर किससे बना है, गैसेस से. ठीक है, सो गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब इसमें भी दो टाइप होंगे, ज्यादा और कम, लो प्रेशर हाई प्रेशर. अब उससे रेनफॉल वगैरह विंटर सीजन में ज्यादा होता है प्रेशर के कम होता है, वो हमें देखना है. ठीक है, हमारे यहाँ का जो मानसून है वो कहाँ से आता है, एनीवन नोस, या इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून. तो उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल होता है. ठीक है, लो प्रेशर रहेगा तो ही साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो इंडिया में एंटर करती है, अगर हाई प्रेशर होगा तो वो एंटर नहीं करती है, वो हम इन डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, जो भी आपकी विंटर सीजन आ रहा है, समर सीजन है, और मेन रेनफॉल से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. ओके नेक्स्ट क्या है, देखो रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इंडिया कहाँ पे स्थित है, यस या इट इज लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, बट आई एम आस्किंग इट इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर. हमारा अर्थ है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है. सो इंडिया अकर्स इन विच हेमिस्फीयर, यस हेमिस्फीयर
सदर्न हेमिस्फीयर नो युगांग, युगांग ने बोला ना, नो नो यस यस जिगीशा, चित्राक्ष, अनुराग। इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस पर इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। रिमेम्बर, अगर हमारी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आता तो हमारे यहाँ पे समर होता क्या? नहीं ना, ज्यादा ठंडा प्रदेश हो जाता अगर साउथ में आता तो। अभी मैंने डिस्कस किया था तो क्या बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो कहाँ पे हो गया, इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी जिसने भी सदर्न हेमिस्फीयर आंसर दिया था ना, इंडिया जब हमारा अर्थ बन रहा था कुछ पोर्शन पानी के थे और कुछ पोर्शन कॉन्टिनेंट के थे। अभी आप लोगों को पता है क्या, ये जो अभी हमें कॉन्टिनेंट दिखते हैं दूर दूर है बाकी, पता है? तो सारे लैंड थे वो एक साथ थे, सारे कॉन्टिनेंट जो थे ना वो एक साथ थे, इकट्ठा थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर बाद में सारे कॉन्टिनेंट टूट टूट के एक दूसरे से अलग हो गए और आज जो कंडीशन मिलते हैं वो ऐसा बना है। तो पहले इंडिया जब अर्थ फॉर्म हुआ था ना, तब इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था, फिर वो धीरे धीरे मूव होके नॉर्थन हेमिस्फीयर में चला गया और जाके एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया, फिर हमारे हिमालय बने, हिमालय पर्वत ऐसे ही बना है। जब शिफ्ट हुआ हमारा इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो साउथ हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर में गया, शिफ्ट हुआ, मतलब धीरे धीरे उसकी मूवमेंट होती है। ये आप लोगों को पता है ना कि धरती जो है वो धीरे धीरे सरकती ही रहती है, ठीक है? फ्यू सेंटीमीटर्स, 1 और 2 सेंटीमीटर मूव होती है एवरी ईयर, ठीक है? सो ऐसा मूव हो के सदर्न से नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो गया है, ठीक है? आगे बढ़ गया क्या? हाँ ठीक है। तो हमें ये ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये पूरा देखना है, इंडिया का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिंग रूट्स ऑफ इंडिया, उसमें क्या आएगा, नेशनल हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, ठीक है? मेन हमारे टॉपिक्स कौन कौन से है, अर्थ, रॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, टाइड एंड ओशन करंट, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका क्लाइमेट में ही आ जाता है, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है कि अभी हमें पढ़ना क्या है? ओके सो लेट्स स्टार्ट। हाँ सी, फर्स्ट टॉपिक हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके राइट डाउन टॉपिक्स, ज्योग्राफी राइट डाउन टुडेज टॉपिक, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। रहने खुला रहेंगे। ओके सो राइट डाउन, इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया इज लोकेटेड इन कौन सा हेमिस्फीयर? नॉर्थ ईस्टर्न। ओके नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लिखते जाओ फटाफट, अब भी स्टार्ट किया है, ऋग्वेद नाम है ना, और ज्वाइन भी हो जाओ। सेकेंड पॉइंट राइट डाउन, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया एंड डिवाइड डिवाइड इट्स डिवाइड्स इट इनटू
एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अभी हमने देखा था ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, इंडिया को डिवाइड कर रहा है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके हेलो, हाँ, उस टाइम पे, उसके बाद में जब वो एस्ट्रॉइड वगैरह हुआ ना, उसके बाद में बिग बैंग थ्योरी हो गई, उसके बाद से हुआ, ठीक है। ओके, नाउ राइट डाउन। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिखा है, स्लाइड्स पे देखो सब लोग, क्या पॉइंट लिखा है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? यस, किसी को पता है? अच्छा, जीएमटी सुना है सब लोगों ने। क्या है वो जीएमटी? क्या है? ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है ये? यस राइट। देखो अभी हमने क्या देखा था, लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ठीक है। लेटिट्यूड के हिसाब से हमने क्या किया था कि जो इक्वेटर के नजदीक है उसको हमने ट्रॉपिकल नाम दिया था, ठीक है। फिर उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर पोलर रीजन। तो लेटिट्यूड कैसा होता है, हमारा अर्थ है और उसके आजू बाजू जो सर्कल्स है उसको हम लेटिट्यूड बोले। तो वो क्या है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट हुआ, उससे हमें टेम्परेचर पता चल रहा है ना। ट्रॉपिकल है तो मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो लेटिट्यूड से का लेना किससे है, इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो अभी लॉन्जिट्यूड, सेकेंड क्या देखा हमने, लॉन्जिट्यूड, तो उसका लेना देना किससे होगा, टाइम से। अभी आप लोग ने सुना होगा कि इंडिया का टाइम है 5.5 घंटे आगे है फ्रॉम जीएमटी, ठीक है। जो जीएमटी है उसका हमारा टाइमिंग कितना आगे है, 5 आवर है ना, 30 मिनट्स इट इज अहेड। सो जीएमटी, व्हाट इज जीएमटी? इट इज नथिंग बट अ लॉन्जिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच मीन टाइम लोकेटेड इन लंडन यूके। वहां पर मीटिंग हुई थी तो वहां पर उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि ये लेटिट लॉन्जिट्यूड है हमारा, इसको हम फिक्स करते हैं। फिर इसके ही रेफरेंस से बाकी कंट्रीज क्या करेगी, अपना अपना टाइम निकालेगी, ठीक है। अर्थ है वो रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे सन है तो इस साइड वाला रात होगी, और जहाँ पे सन है वहां पे दिन होगा। तो अर्थ रोटेट हो रही है तो सबकी जगह पर टाइम डिफरेंट रहेगा, तो वो किससे डिसाइड होता है, लॉन्जिट्यूड से। तो कभी आप लोगों को क्वेश्चन आया कि लॉन्जिट्यूड्स आर टाइम कोऑर्डिनेट्स और लेटिट्यूड्स आर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट राइट होगा। तो हमारे इंडिया में जो लॉन्जिट्यूड हमने सिलेक्ट किया है दैट इज 82 डिग्री एंड 30 इंच ईस्ट, उसको देख के हमने क्या है अपना टाइम जो है वो सेट किया है। ओके, राइट डाउन। 82 डिग्री, सेकेंड पॉइंट इन स्लाइड, 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट, ठीक है। डिग्री के बाद उसको इंच बोलते हैं, और आएगा तो उसके आगे सेकेंड्स बोलते हैं फिर उसको, किसको, 32 डिग्री, आगे मिनट्स और सेकेंड्स। यस यस यस, मिनट्स एंड सेकेंड्स, मैंने इंच और सेकेंड बोला क्या? हाँ, मिनट्स एंड सेकेंड्स, अगर एक है तो मिनट, उसके ऊपर अगर दो रहेगा तो उसको सेकेंड्स बोलते हैं। राइट डाउन, 82 डिग्री 30, हाँ मिनट्स, मैंने इंच बोल दिया था गलती से। ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज अहेड ऑफ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, अभी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, द मेन लैंड ऑफ इंडिया लिखना नहीं है, सी ऑन स्लाइड्स।
लिखा है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऑल ऑफ यू नो दैट, ओके। और ईस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है इंडिया की? नो, ईस्टर्न मोस्ट, एकदम ईस्ट में। इंडिया का मैप देखा है? इंडिया का मैप सी ऑन स्लाइड्स ना, यू विल गेट आंसर। स्लाइड्स पे देखो क्या लिखा है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। यस, अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। ऑन वेस्ट में कौन रहेगा? गुजरात, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक जगह है स्पेसिफिकली, उसको कीबी थ्रू बोलते हैं, दैट इज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इन इंडिया। ओके, कीबी थ्रू, के आई बी आई टी एच यू, कीबी थ्रू। ये ईस्टर्न, ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है प्लेस, उसकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, दैट इज ईस्टर्न मोस्ट। ओके, नाउ राइट डाउन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, या इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। अच्छा, तो क्या क्या होगा इंडिया में? यस, ओके, राइट, गुड। यस, इंडिया कैसे डिवाइड हुआ है? जो हमारा हिमालयन रीजन है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। अभी जो हिमालय है, हमारा सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही है क्या? नो, इट इज ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वगैरह में भी हिमालय जो है वो फैला हुआ है। सो पहले पट्टी क्या आ जाएगी हमारी? हिमालयन माउंटेन्स की, सबसे ऊपर। तो उसको क्या नाम दिया है? नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ये फर्स्ट डिविजन हो गया, ठीक है। सेकेंड डिविजन क्या लिखा है? नॉर्थन प्लेन्स। अभी हिमालय है, ठीक है, वहां से बहुत सारी रिवर्स आ रही है। कौन कौन सी रिवर्स है बताओ? इंडस हिमालय से ओरिजिनेट होती है, यस, इंडस, यस। मेन रिवर कौन सी है हमारी? लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज व्हाट? इट इज सेकेंड लार्जेस्ट। सबसे नो, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनुराग, चित्राक्ष, जिगीशा, इंडिया गंगा की सबसे बड़ी कौन सी है? यस रिवर यस राइट, गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट हमारे महाराष्ट्र की गोदावरी है। थर्ड इज महानदी ऑफ ओडिशा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, फिर ओडिशा में जाती है। सो पहला गंगा, सेकेंड गोदावरी, थर्ड महानदी। अभी हम क्या देख रहे हैं? नॉर्थन प्लेन्स। अभी रिवर जो है हिमालय से फ्लो हो रही है, और कौन कौन सी रिवर होती है हिमालय से? इंदस है, ठीक है, गंगा के साथ फिर यमुना है, ठीक है, फिर उसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, चंबल, सेन, बेटवा के, या सरस्वती, कावेरी वगैरह। कावेरी मतलब पेनिनसुला नहीं, हमें हिमालयन रिवर्स देखना है, ठीक है। तो वहां से क्या हो रही है? रिवर फ्लो हो रही है, तो उसके साथ में सेडिमेंट्स भी लाएगी, ठीक है, सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट कर देगी, तो क्या बन जाएगा? प्लेन एरिया बन जाएगा वहां का सेडिमेंट से। तो उससे क्या बना है हमारा? नॉर्थन प्लेन। तो वो जो गंगा से प्लेन बना है, दैट इज अ वेरी फर्टाइल प्लेन। इसलिए आप लोग ने देख रहे हो कि यूपी वगैरह में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, पंजाब में कैसा है? वहाँ पे इरिगेशन वगैरह वो सब है इसके लिए। लेकिन मोस्ट फर्टाइल, सबसे उत्पादक जमीन कौन सी माना जाता है? वो जो यूपी में गंगा का प्लेन्स है उसको बोलते हैं। सो सेकेंड डिविजन क्या हो गया हमारा? नॉर्थन प्लेन्स। फर्स्ट हिमालय, हिमालय से निकली रिवर, फिर उसने प्लेन बनाई, तो सेकंड डिवीजन क्या हो गया? नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन में कौन सा रीजन आएगा आप लोगों का? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। गंगा ही बाद में क्या बनती है? हुगली रिवर बनती है, ठीक है, फिर बे ऑफ बंगाल में अपना ड्रेन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। हुगली रिवर सुना रहेगा, वो गंगा की ही मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा आगे जाके डिवाइड हो जाती है, तो वो हुगली बन जाती है, ठीक है, वो हम देखेंगे रिवर सिस्टम में। थर्ड क्या लिखा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरे, पेनिनसुलर प्लेट्यू में कौन सा रीजन आएगा? मध्य प्रदेश हो गया अपना, महाराष्ट्र हो गया, फिर नीचे का अपने जो साउथ इंडियन के स्टेट्स है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इतना जो पेनिनसुलर रीजन है, इसको पेनिनसुलर बोलते हैं।
अच्छा पेनिनसुला वर्ड का मतलब क्या है ये पता है क्या आप लोगों को? यस यस, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? यस पेनिनसुला पता है सबको? यस नो, व्हाट इज पेनिनसुला? अनुराग, चित्राक्ष, जिगीशा, प्रद्युम्न। पेनिनसुला क्या है? अच्छा मैम, इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर. यस, इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ठीक है, थ्री साइड्स से इम्पोर्टेंट है कि तीनों साइड से जो आप पानी से सराउंड किया हुआ, दैट इज पेनिनसुला। तो हमारे इंडिया का जो ऐसे ट्राइंगल शेप का पार्ट है उसको हम पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंडियन डेसर्ट। ठीक है, राजस्थान का डेसर्ट पता है, उसका ही थोड़ा पोर्शन या थार डेसर्ट, फिर उसी का थोड़ा पोर्शन गुजरात तक भी आता है। उसका डेसर्ट क्या है? थोड़ा गुजरात में भी मिलता है आप लोगों को। फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वहां पे आप लोग कैसे मिलेंगे? कोल्ड डेसर्ट मिलेंगे। ओके सो ये डेसर्ट फोर्थ पार्ट क्या है? डेसर्ट। ठीक है, मरुथेसियन मरुथेसियन। हाँ मरुथेसियन बोलते हैं उसको, थार डेसर्ट को। ठीक है, राइट डाउन दिस पॉइंट्स। फर्स्ट हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट लिखो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। सेकंड राइट डाउन नॉर्थन प्लेन्स। थर्ड पेनिनसुलर प्लेटू। फोर्थ राइट डाउन डेसर्ट। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया डिविजन्स जो है इंडिया का, ये राइट डाउन दिस पॉइंट्स। और फिफ्थ क्या है? कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ठीक है, राइट डाउन दिस 5 पॉइंट्स। हाँ लिखो ना। कितना? 6 पॉइंट है ना नीचे टोटल पूरा। हाँ लिखो। दो आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। उसी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार में अप्रोक्सीमेटली 500 के अबाव है आइलैंड्स, छोटे 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 आइलैंड्स हैं। एंड जो लक्षद्वीप है उसका ये ध्यान रखो कि इट इज मेड अप ऑफ कोरल्स। लक्षद्वीप क्या है? कोरल आइलैंड है। ठीक है, कोरल से बना हुआ है। कोरल क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म, मराइन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जब कोरल्स डाई हो जाते हैं, जब कोरल्स मर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो हार्ड एकदम कवर शेप में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है कोरल। ठीक है, सो लक्षद्वीप इज एन कोरल आइलैंड। डन। अच्छा अभी हमारे इंडिया में वोल्केनो है क्या? एक्टिव वोल्केनो। यस, इंडिया इज देयर एनी एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? इफ यस नेम देम। हाँ, कोई तो आइलैंड में है, इट लक्षद्वीप में नहीं है जी, दूसरे वाला। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइलैंड? अच्छा अंडमान इतना पता निकोबार. है। हाँ राइट, अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड है, वॉल्केनो है, दैट इज बैरन आइलैंड। BARREN, बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, बट अभी बहुत सालों से वो इरप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और एक और था हमारे इंडिया में वोल्केनो, बट वो अभी क्या हो गया है? इनएक्टिव हो गया है, दैट इज नारकुंडम। इधर ही अंडमान निकोबार में ही थे दोनों भी, एक है नारकुंडम बट इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, अब वो नहीं होएगा। और सेकेंड कौन सा है जो एक्टिव है? दैट इज बैरन आइलैंड। उसका प्रेडिक्शन है कि वो कभी भी इरप्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ अंडमान निकोबार वोल्केनिक आइलैंड है, लक्षद्वीप इस कोरल आइलैंड। हाँ वोल्केनिक है। अभी आप लोगों को पता है जो हमारा डेक्कन प्लेटू है महाराष्ट्र का, ये भी हमारे वोल्केनिक से ही बना है। वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तभी ही हमारा जो महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी उसका पार्ट है और थोड़ा मध्य प्रदेश में भी पार्ट है। जो डेक्कन प्लेटू है ना, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं आता है, एमपी में भी जाता है पोर्शन,
नीचे थोड़ा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी इसका पार्ट है। तो जो हमारा डेक्कन प्लेटू, इट इज ऑल्सो वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था लावा से, वही बना है। इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है, काली माटी मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल। ठीक है, वो ब्लैक सॉइल इसीलिए बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अभी ये डायग्राम देखो, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, हिमालय माउंटेन। अभी जम्मू एंड कश्मीर में है, देखो सबसे पहला कौन सा है, कराकोरम, कराकोरम माउंटेन। सेकंड माउंटेन क्या है, लद्दाख। थर्ड क्या है, जास्कर। फोर्थ इज कृपांजल। देन क्या है, धौलाधार, और देन शिवालिक। शिवालिक हिल्स पे अपने जो माउंटेन है वो पूरा खत्म हो जाता है, और फिर जो हमने नॉर्थन प्लेन्स पढ़ा था वो स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो नॉर्थन प्लेट स्टार्ट्स आफ्टर शिवालिक। तभी ये जो माउंटेन का सीक्वेंस है ना, ये आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो राइट डाउन माउंटेन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ओके, फिर वहां पे सेकेंड लाइन में लिखो फ्रॉम, सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी हम सीक्वेंस क्या देखेंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ लिखा, फर्स्ट राइट डाउन कराकोरम, कराकोरम, सेकेंड राइट डाउन लद्दाख, लद्दाख। कराकोरम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एंड जास्कर कहाँ है, लद्दाख में। थर्ड राइट डाउन जास्कर, फोर्थ राइट डाउन कृपांजल। तो अभी इसको कैसे याद रखोगे सीक्वेंस को, ठीक है, कृपांजल तक लिखा। ओके, अभी वो जो ऊपर आप लोगों ने लिखा ना सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसके आगे ब्रैकेट डाल के लिखो KLZP, KLZP, KLZP। लिखो, अभी हमने क्या लिखा है नीचे, कराकोरम लद्दाख जास्कर कृपांजल, KLZP, किलो ZP जिला परिषद नहीं है, ZP जास्कर एंड कृपांजल। तो सीक्वेंस में कैसे याद रखना है आप लोगों को, KLZP, कराकोरम लद्दाख जास्कर कृपांजल। ठीक है, अभी कृपांजल के बाद नेक्स्ट राइट डाउन धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज। फिफ्थ राइट डाउन धौलाधार रेंज, फिफ्थ धौलाधार रेंज लिखा। देन नेक्स्ट राइट डाउन शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स। देखो अभी रेंज क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल टेकड़ियां होती है उसको बोलते हैं, और हिल्स क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, और उससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, वेरियस हिल्स रेंज, तो उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन। और पीक वर्ड भी सुना रहेगा आप लोगों ने, पीक क्या है, मीन्स शिखर, जो हमारा माउंट एवरेस्ट वगैरह है। सिक्किम का केचनजंगा सुना रहेगा, जो नेशनल पार्क भी है ना, केचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। तो ये सब क्या है, पीक है, शिखर है, टॉप ऑफ द माउंटेन को हम शिखर बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक तक लिखा। ओके, अभी सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थन प्लेन्स। अभी हमने हिमालय में देख लिया कौन कौन से माउंटेन है, अभी शिवालिक के बाद से हमारा नॉर्थन प्लेन स्टार्ट होता है। सो उसके बाद एक लाइन लिखो, नॉर्थन प्लेन स्टार्ट आफ्टर शिवालिक हिल्स, नॉर्थन प्लेन स्टार्ट आफ्टर शिवालिक हिल्स। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट लिख रहे हो ना, सब लोग समझ रहे हैं ना, कुछ डाउट है यहाँ तक का? नो मैम, नो मैम, ओके ओके, ठीक हाँ। मैप में देखो क्या लिखा है, ग्रेटर हिमालयस, कहाँ कहाँ पे, देखो नेपाल में भी जा रहा है, राइट? किधर गया, हाँ एक सेकेंड ना,
मोबाइल में थोड़ा मुझे जम नहीं रहा है आज, लैपटॉप नहीं लाया है ना। हाँ तो देखो हिमालय में देखो डायग्राम, अभी हिमालय में भी ना तीन पार्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेटर हिमालय, फिर आता है लोअर हिमालय। अभी हमने तीन पार्ट में क्यों उसको डिवाइड किया है, ट्रांस ग्रेटर लोअर बेस ऑन हाइट, जिसकी ज्यादा हाइट है उसको हम ग्रेटर हिमालय बोल रहे हैं, ठीक है, जिसकी कम हाइट है उसको हम ट्रांस हिमालय बोल रहे हैं। अभी ये यहाँ पे आप लोगों ने जो लिखा है ना कराकोरम लद्दाख, ये सब क्या है, दे कम्स अंडर ट्रांस हिमालय, मीन्स उसके जो हाइट है वो थोड़ी कंपेयर टू द ग्रेटर हिमालय कम है। फिर देन सेकेंड आएगा ग्रेटर हिमालय, फिर थर्ड आएगा लोअर हिमालय, फिर उसके बाद हमारा नॉर्थन प्लेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हिमालय कहाँ कहाँ पे, देखो इंडिया, नेपाल, फिर देखो भूटान में भी है, सिक्किम, और फिर आगे जाके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हिमालय का जो है माउंटेन्स आपको मिलेंगे। देन अभी नॉर्थन प्लेन्स का लिखा क्या, अभी माउंटेन्स हमने देखा है, अभी नॉर्थन प्लेन्स देखेंगे हम। अभी हमने क्या बोला था, शिवालिक के बाद से क्या होगा, नॉर्थन प्लेन्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी नॉर्थन प्लेन्स के भी फदर फदर टाइप है, देखो क्या लिखा है, भाबर, खादर, भंगार, क्या है ये, दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉर्थन प्लेन। अभी देखो भंगार अच्छा लगा कि खादर, नाम में ही लिखा है ना भंगार है, मतलब दे आर नॉट मच फर्टाइल, ठीक है, भंगार है मतलब वो फर्टाइल नहीं है। सो देखो क्या लिखा है, भंगार आर द ओल्ड फ्लड प्लेन्स विथ कैल्केरियस कंकर फॉर्मेशन, मतलब सारे दगड़ मिलेंगे सो इट इज लेस फर्टाइल। और खादर देखो क्या है, दे आर न्यू फ्लड प्लेन्स विथ वेरी फर्टाइल सोयल, समझो भी नदी बह रही है तो उसके आजू बाजू का जो रहेगा सेडिमेंट वो फ्रेश डिपॉजिट हो गए, तो वो क्या है उसको हम बोलेंगे खादर। जो नदी के बहाव है उससे नजदीक जो हमें सॉइल्स मिलते हैं ना उसको खादर बोल रहे हैं, और जो दूर मिल रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, भंगार, ठीक है। तो वो ओल्ड हो जाएंगे, फिर वापस से आएगी नदी, फिर सेडिमेंट लाएगी, तो जो ऑलरेडी है वो दूर हो जाएंगे और फिर दूसरे सॉइल्स आएंगे। सो ऐसा एक्सचेंज होता रहता है खादर भंगार का, ठीक है। राइट डाउन पार्ट्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, राइट डाउन दिस, खादर भंगार तेराई, खादर में लिखना फर्टाइल सॉइल, भंगार में लेस फर्टाइल, ठीक है, और थर्ड में तेराई। तेराई क्या लिखा है, देखो स्वैम्पी लैंड, जो दलदली इलाका होता है ना उसको हम तेराई बोलते हैं। ओके राइट डाउन दिस 3 पॉइंट्स। हाँ अभी फर्स्ट क्या लिखा है, देखो भाबर भी लिखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा 1 2 3 4 का रॉन्ग हो गया है, खाली नेम्स लिखना है। अभी खादर में मैंने क्या बताया था, फर्टाइल सॉइल है तो खाली फर्टाइल सॉइल लिखो वहां पे। भंगार क्या बताया था, लेस फर्टाइल है तो राइट डाउन ओनली लेस फर्टाइल। तेराई में क्या लिखोगे, स्वैम्पी लैंड, ठीक है, स्वैम्पी मीन्स व्हाट, दलदली इलाका जो होता है उसको बोलते हैं। अब भाबर क्या लिखा है, देखो भाबर में क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने वो देखा है क्या, कृष मूवी, ठीक है, तो वो पत्थरों पे देखो वो ऋतिक रोशन दौड़ता रहता है, दैट इज भाबर। तो वो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना वो भाबर होते हैं, सो इट इज ऑल्सो नॉट फर्टाइल और नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है भाबर में, ओके सो राइट डाउन भाबर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, खाली शॉर्ट शॉर्ट जो कीवर्ड्स मैंने बताया है वही लिखना है। तो एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, खादर में होगा जो फर्टाइल सॉइल है, ओके राइट डाउन दिस इन 2 मिनट्स। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है ना,
और साइंस का टेस्ट कैसे गया था तुम लोग का? साइंस का टेस्ट था ना, बायोलॉजी का? हाउ वाज द टेस्ट, मैं पूछने भूल गई। अनुराग यस, हाउ वाज योर साइंस टेस्ट अनुराग, चित्राक्ष, जिगीशा, प्रद्युम? जो पढ़ाया था पूरा उतना ही था ना उसमें, सब 100 का था ना? ओके, तुमको कितना है? 38। रिवीजन क्या था क्या? इसके लिए कम है ना? ऋग्वेद क्यों ने चेक किया, आंसर के दिया नहीं क्या? एग्जाम एग्जाम चलो था। ओके ओके यस, कितने मार्क्स आए थे? राइट डाउन इन चैट बॉक्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स। युवांग, अनुराग, चित्राक्ष, जिगीसा, राइट डाउन इन चैट बॉक्स योर मार्क्स इन बायोलॉजी। नहीं, फॉर एग्जाम्पल 100 में से आपका 50 राइट आया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आती है क्या आप लोगों को? समझा, आप लोगों ने 100 में से 70 अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 50 राइट आए, 20 रॉन्ग आ गए। ठीक है, सो 20 रॉन्ग है उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6.1 या 2 कुछ भी आएगा। सो उतना जो 6 है वो आपको 50 जितने राइट आए थे उसमें से माइनस करना है, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, सो ऐसा 1/3 नेगेटिव मार्क अप्लाई करना है। यस जिगीशा, 116, वेरी गुड। नो, 100 क्वेश्चन थे, 8 × 4, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ठीक है, यस, 48 राइट। ओके ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 50, 60 या 70 तक राइट आना चाहिए अनुराग। 57 राइट, 14 रॉन्ग। ओके ठीक है सागर, आउट ऑफ 400 क्या? अच्छा, किसको? आपको क्या? नहीं, 100 में से नहीं पकड़ना है। अभी आप लोगों का कैसा रहेगा, 4 मार्क्स का इच क्वेश्चन है ना इन एग्जाम, तो ऐसे 100 मार्क्स, तो 400 मार्क्स का था अपना। ठीक है चलो, ये लिख के हो गया ना? हाँ, अभी नेक्स्ट राइट डाउन पेनिनसुलर प्लेटू। अभी हम डिविजन देख रहे हैं, थर्ड क्या है? पेनिनसुलर ना, सो राइट डाउन पेनिनसुलर प्लेटू। चार्जिंग पे लगाओ ना, सी टैब नहीं क्या? ठीक है, ठीक उससे उससे ज्वाइन हो जाओ ना क्लास का। उसको लीव किया है क्या तुमने? होम लीव किया है क्या? अच्छा ठीक है, जान तो शेयर कर लो, दो मोबाइल है ना आप लोगों के पास। ओके, नेक्स्ट सी पेनिनसुलर। अभी पेनिनसुलर में आप लोगों को ने ये नाम सुना रहेगा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पता है ना सबको? ठीक है, अभी सह्याद्री माउंटेन्स पता है, हमारे महाराष्ट्र के यहाँ से होता है पास, पूरा कर्नाटक में जाता है, केरला में जाता है। तो क्या है? देर आर कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स एंड देर आर ईस्टर्न घाट्स। वेस्ट साइड पे क्या होगा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्ट साइड पे क्या होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो राइट डाउन, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कवर्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। पेनिनसुलर प्लेटू इज कवर्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ। अभी सेंट्रल हाईलैंड किसको बोल रहे हैं? जो डेक्कन प्लेटू का ऊपर वाला भाग है, दैट इज मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उस, और छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। ओके, अभी तुम लोग पास एटलास वगैरह है क्या ज्योग्राफी के लिए? है क्या? थैंक हाँ, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट लिखा, एंड इन द नॉर्थ बाय सेंट्रल हाईलैंड्स।
घाट घाट सीखना है। कोस्टल प्लेन डिफरेंट, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, माउंटेन रीजन पे, ये जो हमारा सयाद्री जितने भी माउंटेन रेंज मिलते हैं ना, तो वहां के रीजन को हम घाट्स बोल रहे हैं। हाँ यही फर्स्ट लाइन ही लिखना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कवर्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ। ठीक है, अभी आप लोगों के पास एटलास अगर होगी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एटलास होगी तो ओपन करो। ठीक इन द नॉर्थ, ठीक है, एटलास में आप लोगों को खाली इंडिया का मैप देखना था, उसमें माउंटेन रेंजेस क्या है वो देखना था। अभी हमने हिमालय का देखे माउंटेन रेंज, नॉर्थ टू साउथ किया, ठीक है, तो बाकी अभी पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा, अभी उसके माउंटेन हमें देखना है। राइट डाउन माउंटेन रेंजेस इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, माउंटेन रेंजेस इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। फर्स्ट राइट डाउन अरावली रेंज, ठीक है, अरावली कहाँ पे आया, राजस्थान में। ओके, अरावली रेंज लिखो, ब्रैकेट में लिखो राजस्थान। अभी हमारा नॉर्थ टू साउथ ही चल रहा है, हाँ रिमेम्बर, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो नॉर्थ टू साउथ, सीक्वेंस में आप लोगों को पूछेगा तो यही नॉर्थ टू साउथ आपको याद करना है। फर्स्ट अरावली रेंज, ब्रैकेट राइट डाउन राजस्थान। सेकंड विंध्यन रेंज, सेकंड राइट डाउन विंध्यन रेंज। रेंज में क्या होगा, रेंज मीन्स सेपरेट सेपरेट अलग अलग माउंटेन्स रहेंगे, या विंध्यन रेंज में राइट डाउन एमपी दैट इज मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में राइट डाउन इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट राइट डाउन अब ये मैप देखो यहाँ पे, सब लोग ऑल ऑफ यू सी ऑन दिस मैप, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, थार डेजर्ट राजस्थान, फिर थार डेजर्ट के बाजू में क्या दिख रहा है, अरावली माउंटेन रेंज, फिर उसके नीचे जो गुजरात का पार्ट है दैट इज रन ऑफ कच्छ। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है विंध्यास माउंटेन, उसके बाद क्या दिख रहा है सातपुरा, सातपुरा माउंटेन रेंज। थर्ड राइट डाउन सातपुरा, सातपुरा माउंटेन रेंज। हाँ सातपुरा माउंटेन लिखो, अभी ब्रैकेट में राइट डाउन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके सातपुड़ा माउंटेन लिखा, नेक्स्ट राइट डाउन फोर्थ है ना, अभी फोर्थ राइट डाउन ऊपर ब्रैकेट में लिखा है ना आप लोगों ने नॉर्थ टू साउथ, हाँ याद रखो। अभी उसके बाद हम देखेंगे हिल्स, जो भी रेंज के बाद क्या हिल्स जो है वो देखेंगे। राइट डाउन गाविलगढ़, गाविलगढ़ हाँ फोर्थ में लिखो गाविलगढ़, GAWILL, GAWILL गाविलगढ़, GARH, हिंदी में बोलोगे तो गाविलगढ़ हो जाएगा, इंग्लिश में क्या है गाविलगढ़, GARH, इट इज इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है गाविलगढ़ रेंज। अभी हम जितना भी देखेंगे उसके बाद में, अभी हमारा क्या चल रहा है, डेक्कन प्लेटू चल रहा है, महाराष्ट्र में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट राइट डाउन अजंता रेंज, पता है ना अजंता एलोरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है, ठीक है गाविलगढ़ हुआ, उसके बाद लिखो अजंता हिल्स,
चल रहा है क्या? 1 2 3 4, हाँ फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ अजंता, 6 राइट डाउन, 7 माला, SAT, अजंता का ये महाराष्ट्र में ही है। अभी हम जितने भी देख रहे हैं ऑल आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अजंता के बाद राइट डाउन 7 माला, SATMALA, 7 माला हिल्स। नेक्स्ट राइट डाउन बालाघाट, BALA बाला और घाट, GHAT बालाघाट रेंज। देन नेक्स्ट राइट डाउन हरिश्चंद्र रेंज, ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट लिखो हरिश्चंद्र, HARISHCHANDR, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से है? गाविलगढ़, अजंता, सातमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाओ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो राइट डाउन नाम भी लोग के अलग अलग है, देखो नल्ला मलाई हिल्स। ओके, राइट डाउन नल्ला मलाई, NALLA मलाई, MALAI, जितने भी लाई लाई वाले रहेंगे ना ये सब साउथ इंडिया में रहते हैं। तिरुमलाई, अन्ना मलाई, स्पेलिंग हाँ NALLA, नल्ला मलाई, MALAI, नल्ला मलाई हिल्स। ब्रैकेट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। डन, नेक्स्ट राइट डाउन पालकोंडा रेंज, अगेन आंध्र प्रदेश में है, खतरनाक नाम है पालकोंडा, PALKONDA, पालकोंडा रेंज, ब्रैकेट आंध्र प्रदेश, पालकोंडा रेंज। अभी आंध्र प्रदेश के बाद में कौन सा स्टेट है? इस साइड, इस साइड, कर्नाटका, महाराष्ट्र के नीचे। हाँ चेन्नई चेन्नई, हाँ कैपिटल है किसका, कौन से स्टेट का? चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? चेन्नई तमिलनाडु इज द कैपिटल, यस राइट, तमिलनाडु, तमिलनाडु का है ना। ठीक है, तो तेलंगाना ऊपर है, उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, उसके नीचे क्या है? तमिलनाडु। इस साइड आओगे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी तुम लोग का होमवर्क है, घर पे जाके इंडिया का मैप देखो और राइट डाउन कैपिटल ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, कल लेक्चर में पूछूंगी नागालैंड का कैपिटल क्या है, मिजोरम का कैपिटल क्या है, सबका कैपिटल आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पालकोंडा लिखा, नेक्स्ट राइट डाउन जावड़ी हिल्स, JAVADI, जावड़ी हिल्स इन तमिलनाडु, JAVADI, जावड़ी हिल्स तमिलनाडु। नेक्स्ट राइट डाउन शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय, SHEVAROY, शेवरॉय हिल्स, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अभी इसका नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन सुना है ना, राइट डाउन नीलगिरी हिल्स। अच्छा ये पता है क्या आप लोगों को? अभी हमने देखा ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स है ना, ये दोनों आके मिलते कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट मर्जेस एट नीलगिरी हिल्स। ओके, स्टेट नीलगिरी हिल्स जो कैसा है ना, बीच में है, यहाँ से केरला, यहाँ से तमिलनाडु और यहाँ से ऊपर से कर्नाटका,
ये तीनों स्टेट में आपको मिलेगा, नीलगिरी हिल्स जो है ना, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, कर्नाटका में भी है। ओके, सो ब्रैकेट में राइट डाउन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। और नीचे एक और लाइन लिखो नीलगिरी के लिए, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अभी मैंने क्या बताया, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स से मिलते हैं, यही हमें लिखना है। राइट डाउन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, मर्जेस, MERGES, मर्जेस एट नीलगिरी माउंटेन या नीलगिरी हिल्स। अभी लास्ट दो बच्चे हैं, दैट इज अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, फिर से मलाई आ गई, राइट डाउन अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। अभी आपका केरला और तमिलनाडु दोनों में आएगा। हाँ, अभी नेक्स्ट राइट डाउन कार्डमोम हिल्स, कार्डमोम, CARDAMOM। अच्छा, तुम लोगों को ये पता है केरला वगैरह में एशियन हिस्ट्री के टाइम पे, अरे पोर्तुगीज वगैरह लोग स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, मॉडर्न हिस्ट्री में मसाले लेके जाते थे ना पोर्तुगीज लोग, कलिकत पे आया था पोर्तुगीज वास्को डा गामा, सुना है ये सब? ठीक है, सो कार्डमोम क्या है, एक मसाला है, स्पाइसेस है। अभी उसका मुझे नाम हिंदी में आ नहीं रहा है, कार्डमोम मसाले का नाम है बेसिकली। तो वहां पे उसका प्रोडक्शन होता है केरला में, वो माउंटेन्स पे, इसलिए माउंटेन का नाम क्या है, वो मसाले के ऊपर दिया गया है, कार्डमोम हिल्स। ठीक है, शायद से काली मिर्च या लौंग या किसी को तो बोलते हैं मोहरी, मोहरी क्या है मराठी में, क्या मोहरी? हाँ, वो ब्लैक कलर का काली मिर्च जिसको बोलते हैं ना शायद से। हाँ यस अनुराग, राइट, कार्डमम उसको ही बोलते हैं मराठी में, मोहरी, और हिंदी में काली मिर्च जो ब्लैक ब्लैक रहता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, होमवर्क लिखे है केरला, कार्डमम कहाँ है, केरला में है। हाँ होमवर्क लिखो, राइट डाउन कैपिटल ऑफ ईच स्टेट, और इंडिया का मैप देखना है आप लोगों को, और याद रखना है कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट लिखो कैपिटल ऑफ स्टेट लिखना है, सेकंड होमवर्क, सेकंड होमवर्क राइट डाउन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स इन इंडिया, कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इसकी स्टेट्स लेके आओ, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगी कि इसको कैसे याद रखना है। ठीक बीच आते हैं ना गुजरात हाँ, नॉट ओनली गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ही नहीं, गुजरात है। हाँ गुजरात है, और बाकी कौन सा है? तो कौन सी है टोटल, वो स्टेट्स लाना है आप लोगों को, तभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि ये सारे स्टेट्स को कैसे याद रखना है। ठीक है, उसकी भी ट्रिक है। ओके, नाउ सी, अभी नेक्स्ट राइट डाउन, कहाँ तक लिखा हमने, हाँ पेनिनसुला प्लेटू तक हो गया ना अपना, पेनिनसुला प्लेटू हो गया। डेसर्ट में थार डेसर्ट है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, कोस्टल रीजन में क्या है, वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल रेंज। ओके, आइलैंड्स, आइलैंड्स में राइट डाउन आइलैंड्स, नेक्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो सेपरेटली इंडियन डेसर्ट का कुछ नहीं लिख रहे हम, क्या थार डेसर्ट है ये सबको पता है, कोस्टल रीजन भी पता है। नेक्स्ट राइट डाउन आइलैंड, उसमें दो है, अंडमान निकोबार और सेकेंड है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड लिखा, उसमें लिखना लक्षद्वीप आइलैंड इज अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड इज अ कोरल आइलैंड।
नेक्स्ट राइट डाउन द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, नहीं सेपरेट लिखो ना, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज बैरन आइलैंड, इज फाउंड इन बैरन आइलैंड, बी ए डबल आर ई एन, बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। ओके अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे, माउंटेन रेंजेस। अभी हमने हिमालयन माउंटेन रेंजेस देखे और पेनिनसुलर में जो थे वो देखे, ठीक है। अभी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन बाकी है, राइट। राइट डाउन नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंजेस। हाँ, अभी ये डायग्राम क्लियर है क्या? सी ऑल ऑफ यू, इज दिस डायग्राम क्लियर? दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? अच्छा, यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इज इट क्लियर? एकदम ब्लर है। अच्छा, यहाँ पे देखो बांग्लादेश के ऊपर ये दिख रहा है आप लोगों को, गारो हिल, खासी हिल, उसके बाद में जैंतिया हिल्स लिखा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? मेघालय में है। ओके, राइट डाउन फर्स्ट, मेघालय स्टेट लिखो, फिर वो कौन से हिल से वो लिखना है। हेडिंग दिया है ना नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ठीक है, उसके बाद लिखो मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज इज द हेडिंग, ओके। उसके बाद लिखो मेघालय, MEGHALAY, मेघालय। फिर यहाँ पे जो मैप में देखो क्या लिखा है, गारो, यस यस गारो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया। राइट डाउन दिस, मेघालय ये म्यूट कर में दिया। मैम इसने अनम्यूट किया है। अरे ओके, फर्स्ट राइट डाउन गारो, सेकंड खासी और थर्ड जैंतिया, JAINTIA, जैंतिया हिल्स। सब मेघालय में ही है, ये तीनों रेंज कहाँ पे है? मेघालय में है। अभी उसके ऊपर देखो दिसपुर लिखा है, उसके ऊपर की स्टेट कौन सी है बताओ? अरुणाचल प्रदेश देखा था हमने, राइट, अच्छा जैंतिया, JAINTIA, जैंतिया हिल्स। नेक्स्ट राइट डाउन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में राइट डाउन मिकिर हिल्स, मिकिर, MIKIR, निकेर हिल्स। नेक्स्ट राइट डाउन बरेल रेंज, द मैप पे दिख रहा है ना आप लोगों को, बरेल, BARAIL, बरेल रेंज। ओके,
अरुणाचल प्रदेश डन। नेक्स्ट राइट डाउन नागालैंड। ये सब स्टेट्स के कैपिटल चाहिए। हाँ मुझे नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? नागालैंड में राइट डाउन पटकाई बम, PATKAI, सेपरेट लिखो, पटकाई PATKAI, पटकाई स्पेस बम BUM। अभी ये देखो, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों में आता है। हाँ ओके। नेक्स्ट राइट डाउन नागा हिल्स। अभी नाम से ही है कि वो नागालैंड में ही होगा, नागा हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट क्या है? मिजोरम। मिजोरम में उसी के नाम का हिल है, दैट इज मिजो हिल्स। यस डन। कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक का? नाउ सी इंडिया का मैप देख लो एक बार फटाफट। हाँ अभी फटाफट मैप देखो इंडिया का, सारे स्टेट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। फर्स्ट देखो, नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। अब ये मैप का एडिशन थोड़ा पुराना है, इसलिए यहाँ पे लद्दाख सेपरेटली दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अभी उसके नीचे कौन सा स्टेट है देखो? हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर उसके बाद कौन सा है? पंजाब। फिर उसके नीचे पिंक वाला कौन सा है? हरियाणा। देन यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। फिर यहाँ पे क्या है? यूपी। ओके, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? यस, विच इज द राजस्थान लार्जेस्ट? यस, वेरी गुड, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ओके, स्टेट्स देख लो, यूपी है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। अब यहाँ पे देखो स्टेट सराउंडिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कौन कौन से स्टेट्स लगी हुई है देखो? तेलंगाना। अगेन यहाँ पे आंध्र प्रदेश सेपरेट नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश 2014 में सेपरेट हुआ था ना, इनटू तेलंगाना एंड हैदराबाद। तो महाराष्ट्र का कौन कौन सा स्टेट आएगा? नीचे एक इधर कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, एमपी एंड गुजरात। नो, इट इज अ कैपिटल। नो, हैदराबाद इज अ जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, चंडीगढ़। चंडीगढ़। ओके हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अभी इंडिया की सराउंडिंग कंट्रीज देखो, यहाँ पे कौन सा है? चाइना। फिर क्या है? नेपाल या अफगानिस्तान भी लगता है, थोड़ा सा लगता है। अभी राइट डाउन स्टेट्स, कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया। अभी इंडिया को कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही है वो हमें देखना है। राइट डाउन कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया। अभी इसके लिए ट्रिक है, देर आर टोटल 7 कंट्रीज जो इंडिया को सराउंड करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ लगती है? एनी गैसेस? पाकिस्तान हाँ, चाइना वाले कितने? हाँ यस, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या बोला आपका? पाकिस्तान आंसर क्या है?
पाकिस्तान? किसका? नो नो, सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया के किसके साथ लगती है पता है? इट इज बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ पे देखो डायग्राम, मैप पे देखो, बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल सराउंड कर रही है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। सो आप किलोमीटर वाइज जब आप काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश में अच्छा है। ऊपर देखो, मैप पे देखो, चाइना का है क्या, कहाँ कहाँ से बाउंड्री हो रही है? यस, मैप में चेक करो, चाइना क्यों नहीं है? बीच में नेपाल आया है, फिर सिक्किम है, फिर भूटान है, तो चाइना की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लग रही है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, बस। फिर बीच में नेपाल आ जाता है, फिर सिक्किम है अपना, फिर भूटान आ गया, उसकी बैंड काउंट नहीं होगी, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, अभी इसकी ट्रिक देखो, हिंदी में लिखो, हेडिंग डाला ना कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया, अभी ब्रैकेट में लिखो, हिंदी लिखना आती ना सबको, लिखो बचपन, हाँ लिखो सब लोग, ट्रिक बता रही हूँ, फिर उसके बाद कंट्री देख लेना। लिखो हिंदी में बचपन में, बचपन में, बचपन में बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, राइट डाउन, बचपन में बीए, ब, ब से क्या है? बांग्लादेश, च, च से चाइना, प, पाकिस्तान, न, नेपाल, में से क्या है? म्यांमार, म्यांमार, बी भूटान, ए अफगानिस्तान। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा ना, आर इन द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ विच दे शेयर बॉर्डर विथ इंडिया, तो सबसे ज्यादा क्या है? बांग्लादेश। सेकेंड सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है? चाइना। थर्ड पाकिस्तान। तो ये जो मैंने ट्रिक बताया है, तो ये सीक्वेंस वाइज ही है कि सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है इंडिया की, और सबसे कम किसके साथ है? बी ए, ए क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, खाली 2 डिजिट, कुछ तो भी नंबर है, 50-60 किलोमीटर ही लगती है। ठीक है, ट्रिक कैसे लगी? इससे याद हो जाएगा तुम लोग को। कंट्रीज हाँ, जो मैंने टिक मार्क वो ट्रिक दिए ना, उससे कंट्रीज लिखो। हाँ अभी इंग्लिश में लिखो अपना, नीचे कैसा लिखोगे? ब, फिर इंग्लिश में लिखो बांग्लादेश, च, नीचे लिखो चाइना, फिर नीचे प, पाकिस्तान, न, नेपाल। यस, ऑनलाइन वाले लिख रहे ना? लिखा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर मई से म्यांमार, फिर बी ए भूटान एंड अफगानिस्तान। ओके, डन। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था सिलेबस में? ओरिजिन ऑफ अर्थ, हो एक गया सेकेंड। हाँ, अभी होमवर्क मैंने कितना दिया तुम लोगों को? दो। दो होमवर्क दिए क्या? ओके, एक सेकेंड। हाँ किसका? तारीख को
ओके कम बैक, चलो स्लाइड्स पे देखो सब लोग। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी तो सबने सुना रहेगा। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय नेब्यूला? नेब्यूला किसको बोलते हैं? एनी गैसेस? इट इज रिलेटेड टू गैसेस। जो गैस के गोले होते हैं ना, क्लाउड क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो हमारा गैस के गोले होते हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ, वो कंडेंस होते गए, इकट्ठा होते गए, और उससे हमारा प्लैनेट्स बना। ऐसा कौन कहता है? नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या लिखा है? नेबुलर हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल्स एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। क्या बोल रहा है? बीच में सन था, उसके आजू बाजू क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या है, गैस के गोले ही है, वो घूम रहे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो कंडेंस होते गए, मतलब एक दूसरे में आके, ऐसा कंडेंस मतलब क्या होता है, एक दूसरे में आके क्या बोलते हैं, कलेक्ट होते गए। ठीक है, और कलेक्ट होते होते क्या हुआ, उनका प्लैनेट्स बन गए। जो क्लाउड्स थे ना, वो क्या हो गया, प्लैनेट्स बन गए, ऐसा नेबुलर हाइपोथेसिस में बोला है। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट लोग आए, क्या नाम था उनका, चेम्बरलेन एंड मुल्टन। ठीक है, इन लोग ने क्या आके क्या दिया, कौन सी थ्योरी दी इन लोग ने? बाइनरी थ्योरी। बाइनरी मतलब क्या, टू। तो इनका क्या कहना था कि सन से आके एक तारा आके टकरा गया। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ और वो टूट गया, और फिर जो तारा जो टूटा था, अलग अलग सेपरेट सेपरेट, उनका इकट्ठा करके क्या हुआ, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए। ऐसा चेम्बरलेन मुल्टन ने बाइनरी थ्योरीज में किया था। हाँ, ये इमेजिनेशन के बेसिस पे साइंटिस्ट लोग जो भी थ्योरी निकालते हैं तो वो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, उसको इसलिए तो थ्योरी बोलते हैं ना, तो प्रैक्टिकल थोड़ी ना उन लोग ने करके दिखाया है, इट इज थ्योरी। उन्होंने खाली प्रपोज किया है कि हाँ ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। आगे जाके आप भी अपना प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता था। जैसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस टाइम पे उसने प्रपोज की थी, अब जाके उसका एविडेंस मिल रहे हैं कि हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है करके, यूनिवर्स में वो मिल रहा है। क्या बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा अगर आपको एक एविडेंस भी मिला तो थेरी वो आपका होती है सक्सीड। फिर कोई तीसरा साइंटिस्ट आएगा, आपको प्रूफ कर देगा रॉन्ग, दूसरा एविडेंस लाके दिखाएगा, देखो ऐसा नहीं ऐसा था, तब वो थेरी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस थी, उसने क्या बोला था कि प्लैनेट्स कैसे बने, गैस के गोले से बने हैं। फिर इसको नकार दिया, इसको रिजेक्ट किया, फिर बाइनरी थ्योरी आई। तो बाइनरी थ्योरी में क्या बोला, बाइनरी मीन्स टू, सन था और स्टार था, दोनों टकराए आपस में, तो वो तारा था वो टूट गया, और वहां से जितने भी पार्टिकल्स निकले वो कंबाइन होकर क्या बना, प्लैनेट्स बन गया। ठीक है, तो ये सेकेंड थ्योरी थी। फिर अभी थर्ड हमने क्या सुना है, बिग बैंग थ्योरी सुना है। ठीक है, एक मास था, पार्टिकल था, वो क्या हुआ, वो फूट गया, फिर ब्लास्ट हो गया, बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, बिग बैंग। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल था वो ब्लास्ट हो गया, फिर उससे क्या हुआ, जितने भी वो ब्लास्ट होके टुकड़े बने थे उससे अलग अलग क्या हो गया, प्लेनेट बन गया। तो अभी ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। नो, बाद में जाके गोल गोल घूम रहे थे लोग सन के आसपास, फिर बाद में उनका शेप सर्कल होते गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, अभी ये सब होगा। देखो आप लोगों ने सुना है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब क्या है, ये सब रॉक पार्टिकल्स, आइस पार्टिकल्स है जो प्लैनेट्स में मतलब जुड़ नहीं सके, नहीं बन पाए। जो भी डस्ट पार्टिकल है वो स्पेस में ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो उसी को नाम क्या दे दिया बाद में, कॉमेट्स। कॉमेट्स का क्या होता है, थोड़ा आइस पार्टिकल्स होती है। एस्टेरॉइड्स का है, पूरा रॉक से बना हुआ है। ठीक है, एस्ट्रॉइड का पूरा बेल्ट है, कहाँ पे मिलता है, कौन से प्लेनेट के बीच में? हाँ, एस्ट्रॉइड का बेल्ट है वो, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने तीन थ्योरी देखी, नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी। हाँ, वो किसकी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना उसकी थ्योरी है। व्हाट वी आर सीइंग कि हमारा अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बनी,
वो देख रहे हैं। ठीक है, हमारी यूनिवर्स का क्या नाम है, गैलेक्सी का क्या नाम है, या मिल्की वे, जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। कैसे, कौन से शेप में है ये, स्पाइरल, स्पाइरल शेप में है हमारी गैलेक्सी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कुछ डाउट है क्या। अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, ओरिजिन ऑफ अर्थ और यूनिवर्स कैसा बना। यस अनुराग, चित्रा, जिगीशा, वॉइस वगैरह क्लियर है ना, समझ रहा है। यस मैम, यस मैम, ओके ओके ठीक यस मैम, है। अभी देखो, बिग बैंग थ्योरी देखो क्या बोलता है। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। ठीक है, मैंने बताया था छोटा सा मैटर है, एटॉम है, उसको क्या बोला, टाइनी बॉल, एक सर्कुलर मैटर था। ठीक है, उसका क्या हुआ, इनिशियली क्या था, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, मतलब बहुत सारा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था उसका, हाई डेंसिटी थी। ठीक है, फिर उसी का क्या हो गया, इतना हाई टेम्परेचर है, हाई डेंसिटी तो सहन नहीं कर पाएगा, तो वो फूट गया। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू ह्यूज एक्सपांशन। जैसे ही वो फूटा तो सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये आप लोगों को पता रहेगा ना, धरती बहुत गर्म थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी होते गई, फिर वहां पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है कि वो जो टाइनी बॉल था वो इनिशियली बहुत गर्म था, वही गर्म होने के कारण क्या हो गया, वो फट गया। ठीक है, अभी राइट डाउन ओरिजिन ऑफ अर्थ, हेडिंग क्या रहेगी आप लोगों की, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स। ये स्लाइड्स तो आप लोगों को मिलेगी, खाली शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है याद रखने के लिए कीवर्ड्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, राइट डाउन। अभी कितने लेक्चर होंगे इस रुको, आज और कल का लेक्चर है, फिर उसके बाद में सर कंटिन्यू करेंगे कुछ मंथ, मंडे को बताएंगे शेड्यूल, मंडे का शेड्यूल नहीं भेजा है ना, तो सर ही ऑनलाइन लेंगे मे बी। राइट डाउन नेब्यूला और हाइपोथेसिस, राइट डाउन नेब्यूला और हाइपोथेसिस, नेब्यूला और हाइपोथेसिस। इन दिस प्लेनेट वर फॉर्म, इन दिस प्लैनेट वर फॉर्म आउट ऑफ क्लाउड मटेरियल्स, इन दिस प्लैनेट वर फॉर्म आउट ऑफ क्लाउड मटेरियल्स। बस इतना ही लिखो। नेक्स्ट राइट डाउन बाइनरी थ्योरी, सेकेंड थ्योरी राइट डाउन बाइनरी, बाइनरी थ्योरी, इसमें साइंटिस्ट का नाम लिखना है, बाय चेम्बरलिन एंड मुल्टन, स्पेलिंग सी ऑन स्लाइड, सेकेंड थर्ड लाइन सेकेंड पॉइंट, चेम्बरलिन एंड मुल्टन। कभी कभी ऐसा मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है आप लोगों का नाम, कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी। अभी नेबुलर हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में स्पेस है तो लिख लो, नेबुलर हाइपोथेसिस वाले पॉइंट पे जाओ, वहां पे लिखो, इट वॉज गिवन बाय, फर्स्ट वाले में लिखो नेबुला हाइपोथेसिस में, इट वॉज गिवन बाय लेपलेस, LAPLACE, लेपलेस, LAPLACE, लेपलेस साइंटिस्ट का नाम है जिसने नेबुला हाइपोथेसिस दी थी, LAPLACE, लेपलेस। ठीक है, और ये बाइनरी थ्योरी किसने दिया था, चेम्बरलिन एंड मुल्टन ने। इन दिस, अभी बाइनरी थ्योरी में लिखो, राइट डाउन इन बाइनरी थ्योरी, इन दिस अ वंडरिंग स्टार, मतलब घूमते घूमते स्टार, वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन, वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन, अप्रोच द सन एंड
एंड अ सिगार शेप. सिगार मीन्स वॉट? फॉर एग्जाम्पल, ये अपना पेन है, ठीक है, ये सन है, और समझो ये स्टार है, यहाँ पे आके वो टकरा गया. टकराने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा उनका क्या हुआ, नहीं, टकराने से क्या हुआ, थोड़ा कोलिजन हुआ. कोलिजन की वजह से थोड़े थोड़े टुकड़े बाहर आएंगे, तो कौन से शेप में आए थे? सिगार शेप. मीन्स ऐसा जो लंबा रहता है ना, और आगे से थोड़ा कर्व्ड, ये शेप में क्या हुआ, बाहर उनका एक्सटेंशन हुआ मटेरियल्स का, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट, सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल्स वॉज सेपरेटेड एंड एज अ रिजल्ट सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड एंड कंडेंस इनटू प्लैनेट्स एंड कंडेंस इनटू प्लैनेट्स एंड कंडेंस इनटू प्लैनेट्स हुआ. डन. नेक्स्ट, राइट डाउन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी बिग बैंग थ्योरी. मैम प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड वन वन सेकंड. हाँ, यस, राइट डाउन. बहुत हाँ, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी. अगर इनकेस कभी पूछ लिया कि क्लाउड मटेरियल से बना है, वो किसने दी थी, तो नेबुलर हाइपोथेसिस में आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. फिर बाइनरी थ्योरी किसने दी थी, तो मैच द फॉलोइंग में साइंटिस्ट का नेम आ सकता है, या फिर आपको एक दो लाइन में एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है कि कौन सी थ्योरी है, उसका मैचअप करो. यस, डन विद दिस स्लाइड. यस मैम. नाउ राइट डाउन बिग बैंग थ्योरी. इन दिस, अ टाइनी बॉल, इन दिस अ टाइनी बॉल, ब्रैकेट में लिखो सिंगुलर एटम, मतलब एक सिंगल एटम था, ठीक है. इन दिस अ टाइनी बॉल, ब्रैकेट सिंगल एटम विथ इनफाइनाइट टेम्परेचर, विथ इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी. इनफाइनाइट मीन्स व्हाट? इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, एक्सप्लोडेड वॉयलेंटली, एक्सप्लोडेड वॉयलेंटली वॉलेंटली तक लिखा. एज अ रिजल्ट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड. एज अ रिजल्ट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड. ठीक है. अभी स्टार, स्टार फॉर्मेशन, स्टार किससे बना है, स्टार क्या है बेसिकली, व्हाट इज स्टार? स्टार प्लेनेट का हिस्सा. माय गॉड, स्टार्स दिखता है आपको यहाँ से? वो लोग चमकते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, क्यों होता है? हाँ, बेसिकली लाइट क्यों आती है स्टार्स से? स्टार्स में क्या होता है, बेसिकली कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं. हाइड्रोजन इग्नाइट होता रहता है, हाइड्रोजन जलता है, हीलियम बनते जाता है, हाइड्रोजन जलता है, हीलियम बनते जाता है. ये केमिकल रिएक्शन पता है आप लोगों को? हाइड्रोजन है H1H2, ठीक है. फिर उसका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होता है. हाइड्रोजन क्या है, H2 है बेसिकली, मतलब क्या, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आके मिलते हैं जब वो, और हीलियम सुना है, हीलियम H3, H2 क्या है, हाइड्रोजन, H3 क्या है, हीलियम, 1 2 3,
ये एक गैस है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, हाइड्रोजन से इमिट होता रहता है, इसके लिए उसमें लाइट जलती रहती है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, और क्या होती है, लाइट रिलीज होती रहती है कंटिन्यूअसली, इसीलिए तारे क्या है, वो चमकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये सुना है क्या, ब्लैक होल, क्या है ब्लैक होल? एग्जैक्टली, यस, व्हाट इज ब्लैक होल? यस अनुराग, चित्राग, जिगीशा, प्रद्युम, युगांग, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, या ब्लैक होल इज रिलेटेड टू स्टार्स, राइट, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है, अभी मैंने बताया स्टार्स है, वो चमक रहा है, मतलब क्या है, स्टार इज एन एक्टिव फॉर्म, अभी वो जिंदा है, ठीक है। जब स्टार्स का एक ऐसा स्टेज आता है जब वो स्टार डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है, अब इसके अंदर और हाइड्रोजन बचा नहीं है हीलियम बनने के लिए, तो अभी वो उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, उसमें से लाइट नहीं निकलेगी, ट्विंकलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार का एक ऐसा स्टेज होता है जब स्टार विल रन आउट ऑफ इट्स फ्यूल, दैट इज हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, स्टार मर जाएगा, स्टार डाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टार क्या होते हैं, डाई होने के बाद दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ स्टार न्यूट्रॉन बन जाते हैं, कुछ कुछ स्टार क्या होते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं, ठीक है। नो, दैट इज कॉमेट, वो जो हमें दिखता है ना टूटता तारा वगैरह, दैट इज कॉमेट, टूटता तारा जो हम बोलते हैं ना उसको कॉमेट बोलते हैं। सब नहीं बनते हैं ना, वही बोल रही हूँ, कुछ कुछ ही स्टार्स मरने के बाद आफ्टर डाइंग दे कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल, मोस्टली दे क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बन जाते हैं, मीन्स डोरमेंट हो जाते हैं, उनका भी कुछ काम नहीं रहता, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ओनली फ्यू स्टार्स, उनकी डेंसिटी, उनकी साइज, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी। तो कुछ कुछ स्टार्स ही क्या करते हैं, वो आफ्टर डाइंग, आफ्टर रनिंग आउट ऑफ द फ्यूल, वो क्या, ब्लैक होल बन जाते हैं, यस। अच्छा अभी उसका भी बोलते हैं ना कभी कभी, सन भी वो होने वाला करते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टार्स क्या है बेसिकली, ये भी क्या है, गैस के गोले ही है बेसिकली, किसका, लेकिन हाइड्रोजन गैस से बना होता है, ओके। सी ऑन स्लाइड व्हाट इज रिटन इन द स्टार फॉर्मेशन में, अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला, ये नेबुला हाइपोथेसिस में हमने देखा था, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप इनटू क्लम्प्स ऑफ गैसेस, ठीक है, जो गैसेस है वो एक साथ आकर जुड़ जाएगी, तो उसी को हम क्या बोले, क्लम्प्स, क्लम्प्स मतलब कलेक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। नाउ दिस क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो डेंसर गैशियस बॉडी गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है अलग अलग, दोनों साथ में आई, कंडेंस हुई, एक बॉडी बनी, और उसी से क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस से क्या बन गया, आगे जाके स्टार्स बन गए, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया स्टार्स में क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है जो हीलियम में कन्वर्ट होते जाएगा, तो क्या होगी, लाइट इमिट होती है, वो ट्विंकल होता है, ठीक है। अभी लिखो प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स है हमारे यहाँ पे, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, यस 8 और 9, देर आर 8 प्लैनेट्स, 9th कौन सा है, इट वॉज प्लूटो, प्लूटो को पहले कंसिडर किया था कि ये भी प्लेनेट है करके, लेकिन नहीं, बाद में साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला, उसको ड्वार्फ प्लेनेट का नाम दे दिया है, सो प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लेनेट नाउ, ओके, सो राइट डाउन, ओके। सबसे पहला प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी सेकेंड, फर्स्ट कौन सा है, मर्क्यूरी, सेकेंड, नहीं, वो तो आज कल और आती है तो सीक्वेंस याद नहीं है इसके आगे, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, पूरा प्लेनेट का सीक्वेंस कोई बोल सकता है क्या, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सन, फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, यस सीक्वेंस ऑफ प्लेनेट्स याद है किसी को, अनुराग, मैम। चित्रा, यस बोलो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स।
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सही बोला, एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। अभी जिसको नहीं याद है वो लोग सुनो, कैसे याद रखना है। सुनो, ट्रिक कैसे याद रखना है, कैसे सारे सीक्वेंस को याद रखेंगे। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 8 प्लैनेट्स। माय माय से क्या आएगा पहला, मर्क्यूरी। वेरी से क्या आएगा, वीनस। एजुकेटेड से क्या आएगा, अर्थ। ठीक है, माय वेरी एजुकेटेड मदर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फोर्थ क्या आएगा, मार्स। जस्ट, जस्ट से क्या आएगा, जुपिटर। शो, शो से सैटर्न। अस, यूरेनस। 8 प्लैनेट, वहां पे पी से लास्ट प्लूटो था। ठीक है, तो ऐसे आपको सीक्वेंस याद रखना है। अगर किसी को लिखना है तो यू कैन राइट डाउन माय वेरी एजुकेटेड मदर, सीक्वेंस ऑफ प्लेनेट। हाँ, याद रखने के लिए अगर ट्रिक लिखना है तो यू कैन राइट डाउन, जिसको पता है, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। जिसको लिखना है लिखो, माय वेरी एजुकेटेड मदर। हर एक चीज की ना ट्रिक बनाते जाओ याद रखने के लिए। ठीक है, माय वेरी एजुकेटेड मदर, और एक लाइन छोड़ के लिखो ताकि उसके नीचे आप लोग प्लैनेट्स का नाम लिख सको। जस्ट, जस्ट शो, SHOW वाला, शो अस, शो अस, US वाला, 8 प्लैनेट्स। अब इसमें राइट डाउन M से क्या था, फर्स्ट मर्क्यूरी। माई के नीचे लिखते जाओ, माई के नीचे ब्रैकेट में मर्क्यूरी, वी के नीचे, वेरी के नीचे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्ट्यून, और प्लेटो लिखो, प्लूटो लिखो, प्लूटो के बाद लिखो ब्रैकेट में ड्वार्फ प्लेनेट, DWARF, ड्वार्फ प्लेनेट। अच्छा, नाउ एवरीवन सी ऑन स्लाइड्स, नाइन टेन 9 प्लेनेट्स में है ना, NINE 9, उसमें 9 क्या है, नेप्ट्यून, N फॉर नेप्ट्यून। नाउ सी स्लाइड्स, सी ऑन स्लाइड्स एवरीवन। 8 प्लैनेट्स में थर्ड लाइन क्या लिखा है, अल्टरनेटिवली द फर्स्ट फोर आर टेरेस्ट्रियल। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो एवरीवन, फर्स्ट फोर कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जो जो मार्स तक है ना हमारा प्लैनेट्स, उसको क्या बोल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल। क्यों, जैसा हमारा अर्थ है, सॉलिड लैंड सरफेस प्रेजेंट है, राइट। अब बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पे आपको ऐसा लैंड नहीं मिलेगा, रॉक्स वगैरह ये सरफेस नहीं मिलेंगे, उन लोग सब क्या है, सिर्फ गैस के गोले हैं। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स तक का क्या है, देर इज सॉलिड लैंड सरफेस है, रॉक्स है, माउंटेन्स है। ठीक है, मार्स पे हमने मंगलयान मिशन भी भेजा था, उसके फोटो अगर आप लोग ने देखे होंगे, कैसा है सरफेस है ना, सॉलिड है मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट फोर प्लैनेट्स कैसा है, सॉलिड इन नेचर, बाकी सब कैसे है, गैशियस स्टेट में है, तो उसको हमने क्या बोला है, गैस जाइंट। समझ रहा है, पहले चार सरफेस सरफेस किसमें, पे यस, अदर प्लैनेट में आपको सॉलिड सरफेस नहीं मिलेंगे। स्टेट ऑफ मैटर पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड गैस होती है, पानी लिक्विड है, जम गया, आइस बन जाएगी, वो सॉलिड हो गया, फिर भाप बन के उड़ गया, वाटर वेपर, गैशियस स्टेट में। तो वैसे प्लैनेट में भी स्टेट्स हैं, तो स्टार्टिंग के फोर अप टू मार्स दे आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आपको वहां पे दगड़, माटी सब मिलेगा। बाद में जो भी है, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, दे आर ऑल क्या है, गैस के गोले है, दे आर गैस जाइंट्स, इसलिए उसको हम गैस जाइंट्स बोलते अच्छा हैं। फोर्सेस से ग्रेविटेशनल फोर्सेस वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी जो है, गैस की डेंसिटी भी होती है ना, उसमें गैसेस में प्रेशर्स भी रहते हैं, तो एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स जो है वो पकड़ के रखते हैं, इसके लिए हम सर्कुलर शेप में होता है। अच्छा
नहीं, आप उसको पास करोगे प्रेशर चेंज होगा बॉडी का, आपकी डेथ हो सकती है उसमें, आप पास करके जा नहीं सकते हैं। हाँ लैंड नहीं है, गैशियस स्टेट में है, ओनली गैशियस स्टेट में। ओके ओके, राइट डाउन फर्स्ट फोर प्लैनेट्स, दैट इज मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स आर टेरिस्ट्रियल, राइट डाउन फर्स्ट फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल। लिखा द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। क्या क्या वो फाइंड किया था ना सेगिटेरस करके कुछ एक नाम है ब्लैक होल का। हाँ उसका इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने फोटो भी खींचा था ब्लैक होल का। घर पे जाके सर्च करो इमेज ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। एक टेलीस्कोप था इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, 1-2 साल पहले की खबर है ये। वो फर्स्ट टेलीस्कोप था जिसने ब्लैक होल की इमेज जो है वो कैप्चर की थी। वो एक बार गूगल पे सर्च करो। हाँ बेशा शायद से ये नासा का था इवेंट हॉरिजॉन। नासा पता है ना, अमेरिका की स्पेस बॉडी। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। उसके बाद लिखो रेस्ट अदर प्लैनेट्स आर, रेस्ट ऑल अदर प्लैनेट्स, रेस्ट ऑल अदर प्लैनेट्स आर इन गैशियस स्टेट, GASEOUS, गैशियस स्टेट, सिर्फ गैस से बने हुए हैं। ओके अभी हम क्या देखेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। सी दिस डायग्राम, इसी को क्या बोलते हैं ग्लोब, ठीक है। ये ग्लोब है, ओमकार नाम है ना। स्लाइड देखो किधर है। नहीं नेट नहीं है, कनेक्ट कर लेना था ना। बोला है ठीक है अब रहने दो, बैठो उसमें दे, उनके साथ में देख लो एक साथ। हाँ ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्या है, मिनिएचर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। जो हमने बनाया है उसमें हमने देखो क्या सेपरेट किया है, बीच में एक लाइन जा रही है 0 डिग्री की, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या है देखो, 23.5 डिग्री पे 23 डिग्री 26 सेकेंड्स में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। जो ऊपर है उसको हम क्या बोले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से हमारे पास होती है। और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। जो हमारी अर्थ है ये आप लोगों को पता है क्या, जो एक्सिस है हमारी जिसके ऊपर अर्थ घूम रहा है, तो वैसे सीधा सीधा नहीं घूम रहा है। अर्थ क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। यस टिल्टेड है। अर्थ क्या है, सीधा सीधा नहीं गोल घूम रहा है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। कितना टेढ़ा है, 23 डिग्री। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ओके। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अर्थ की, इट इज टिल्टेड बाय 23rd डिग्री, ठीक है। अभी कैसे बताओ तुम लोग को, समझा के नहीं। अभी ये सीधा सीधा नहीं घूम रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा टिल्ट है, और फिर ये ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है अर्थ, समझे। सो अवर अर्थ इज टिल्टेड बाय 23 डिग्री। राइट डाउन दिस पॉइंट, अर्थ इज, ये अभी हम थोड़ा फैक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, अर्थ के रिलेटेड जितना भी फैक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, वो देख रहे हैं। या एग शेप, बेसिकली जो हमारा अर्थ है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑफ
जियोइड शेप, GEOID, जियोइड। ठीक है, अगर आपको आएगा अर्थ का शेप कौन सा है तो आपको जियोइड डालना है। जियोइड का मतलब होता है लाइक दैट ऑफ अर्थ, अर्थ पूरा सर्कल भी नहीं है, ये पता है ना आप लोगों को कैसी है, पोल्स पे चपटी है और जो इक्वेटर है वहां पे बल्जिंग है, ब्रॉड है। ठीक है, पोल पे ब्रॉड है और पोल्स पे, इक्वेटर में ब्रॉड है, पोल्स पे थोड़ी ऐसी चपटी है। ठीक है, जो हमारा एग होता है उसके शेप में है। ठीक है, हाँ ओवल बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपको जियोइड लिखना है। स्फेरिकल बोल सकते हैं, लाइक स्फेरिकल, बट उसको सेपरेट नाम दिया है अर्थ का है तो इसलिए दैट इज जियोइड, GEOID। तो ऑप्शन में अगर जियोइड रहेगा सो अर्थ इज इन जियोइड शेप। राइट डाउन, अर्थ का लिखा टिल्टेड वाला नहीं बोला क्या? हाँ राइट डाउन दिस लाइन, अर्थ इज टिल्टेड, TILTED, टिल्टेड मतलब झुकी हुई, टिल्टेड बाय 23 एंड अ हाफ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ इज टिल्टेड बाय 23 एंड अ हाफ, इंग्लिश में लिखो 23 एंड अ हाफ मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट राइट डाउन, अर्थ इज ऑफ जियोइड शेप, शेप कैसा है, जियोइड, GEOID, जियोइड ब्रैकेट में लिख दो, स्फेरिकल या ओवल, ओवल शेप। अभी ये देखो डायग्राम, इक्वेटर देखा, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर ये जितने भी इक्वेटर से पैरेलल लाइन जा रही है ऊपर 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 ऊपर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटिट्यूड। तो लेटिट्यूड कैसा है, फुल सर्कल है कर रहा है अर्थ को, बराबर। ठीक है, दे आर पैरेलल टू इक्वेटर एंड दे आर कैसा है, फुल सर्कल्स में है लेटिट्यूड। और लॉन्जिट्यूड कैसा है, दे आर सेमी सर्कल्स, पूरा ऐसा गोल राउंड नहीं कर रहे। लॉन्जिट्यूड कैसा है, दे आर सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नीचे क्या है, साउथ पोल, और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल। अभी यहाँ पे अर्थ का सेंटर समझो, यहाँ पे जहाँ पे 30 डिग्री लिखा है, देखो अगर यहाँ पे अगर हम पकड़ेंगे बीच में तो आप लोगों का एंगल हम नापते थे, देखो डी आता था, प्रोटेक्टर से हम एंगल करते थे, तो सेंटर से जब भी हम एंगल देखेंगे तो पोल तक जाते जाते एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर उससे थोड़ा और कम करेंगे, 80, 70, 60, ऐसा कम होता जाएगा ना, सेंटर से नापने का है अपने को। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाजू में देखो क्या लिखा है, 23 डिग्री, 26 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। तो वो क्या है, एंगल है, कहाँ से जो हम कर रहे हैं उसको माप रहे, कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ। तभी हम आगे जब डेफिनेशन देखेंगे ना लेटिट्यूड का, लॉन्जिट्यूड का, तो वहां पे क्या लिखेगा, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, या हमारा अर्थ है उसके बीच का सेंटर है, फिर वहां से हम एंगल माप रहे हैं ऊपर नीचे कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नाउ राइट डाउन लेटिट्यूड, व्हाट इज लेटिट्यूड वो हम देखेंगे। हाँ सबसे पहले तो ये लाइन लिखो कि हम यूज क्यों करते हैं लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को, है ना, ऐसा अर्थ के ऊपर तो बनी भी नहीं है लाइन, उसको हमने बनाया है, वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। ओके, राइट डाउन, लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस, लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, जैसे हमें इंडिया का लोकेशन बताने होगा तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 82 डिग्री और आगे कुछ 35 सेकेंड्स पे जो अर्थ है, हमारे इंडिया की जो एक्सिस है वो इतने एक्सिस के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज बेसिकली 72 से 82, इतने एक्सिस के बीच में जो है वो इंडिया हमारा लोकेट है। तो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका, फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन एंड प्लेसेस ऑफ द अर्थ। यस,
हाँ टाइम भी है बेसिकली, अभी लिखो डेफिनेशन ऑफ लेटिट्यूड। देखो अभी हमने लेटिट्यूड देखा था तो हमने क्या देखा था, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, सुपर पोल है। तो अभी हमने क्या देख बोला था, स्टार्टिंग में बताया था इक्वेटर के नजदीक रहेगा तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी। तो लेटिट्यूड से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी जगह का टेम्परेचर। सो लेटिट्यूड्स आर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स, टेम्परेचर पता चल रहा है ना। ओके राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लेटिट्यूड। लेटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, हाँ एंगुलर डिस्टेंस, अभी मैंने बताया था ना अर्थ का सेंटर है, वहां के बीच में से हम एंगल को काउंट करेंगे। ठीक है राइट डाउन फर्स्ट लाइन जो स्लाइड्स में लिखी है, लेटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यही हमने देखा था अभी, राइट राइट डाउन अप टू अर्थ। डन। नेक्स्ट राइट डाउन लेटिट्यूड्स आर व्हाट हैपेंड, पेन खत्म हो गई है, एक्स्ट्रा नहीं। पेन नहीं किसी के पास। नहीं। नहीं। मिल गया ना यहीं से, हाँ यहीं से देने ही वाली थी। लिखो अर्थ तक लिखा ना, हाँ नेक्स्ट राइट डाउन लेटिट्यूड्स आर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स। ओके अभी हमने देखा था लेटिट्यूड से टेम्परेचर पता चलेगा, लॉन्जिट्यूड से टाइम पता चलेगा। राइट डाउन लेटिट्यूड्स आर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट राइट डाउन दे आर पैरेलल टू इक्वेटर्स। यस 0 डिग्री इक्वेटर था उसके ही पैरेलल फुल सर्कल्स में जाएगा। ओके राइट डाउन दे आर पैरेलल टू इक्वेटर्स, हाँ फुल सर्कल, वही तो बोल रही हूँ मैं, फुल सर्कल करेगा अर्थ को। ठीक है अभी इसकी वैल्यूज नॉर्थ साउथ में होगी कि ईस्ट वेस्ट में होगी ये बताओ। इक्वेटर है, इसके ऊपर एक लेटिट्यूड है। ठीक है तो 0 डिग्री पे अपना अर्थ इक्वेटर है, उसके ऊपर 23 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो 23 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है कि वेस्ट है, ऊपर है तो क्या होगा, यस नॉर्थ। से जो इक्वेटर के ऊपर जो लेटिट्यूड है हमारी, उसकी वैल्यूज क्या होगी, नॉर्थ। और इक्वेटर के नीचे वाले जो लेटिट्यूड होगी तो उसका क्या रहेगा, साउथ। तो जब भी हम लिखेंगे लेटिट्यूड के बारे में तो उनकी वैल्यूज किस में होगी, नॉर्थ एंड साउथ में होगी। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड हमने देखा सेमी सर्कल्स है तो वो कैसे जा रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट जाएंगे। तो ऑल वैल्यूज ऑफ लॉन्जिट्यूड विल बी इन ईस्ट और वेस्ट। ये समझा क्या, एक बार फिर से रिपीट करूं, हाँ यस अनुराग, चित्राक्ष, जिगीशा, युगांग, लेटिट्यूड का जो भी मैंने बताया वो समझा कि वैल्यूज क्यों नॉर्थ साउथ में होगी, मैम, समझा यस ना। मैम, ओके ओके राइट। अभी आप लोगों ने कहाँ तक लिखा है, दे आर पैरेलल टू इक्वेटर्स। ओके नाउ राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑफ लेटिट्यूड विल बी इन नॉर्थ एंड साउथ ओनली। ठीक है ऑल द वैल्यूज ऑफ लेटिट्यूड विल बी नॉर्थ एंड साउथ।
अभी हमने यहाँ पे 0 डिग्री देखा, अभी उसके ऊपर 0 के बाद कौन सा डिग्री आएगा, 1, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3, फिर 4, ठीक है। सो अभी ये जो एक एक डिग्री है तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, देखा अभी इक्वेटर है, बीच में से हमने एंगल गिना, इक्वेटर पर 0 डिग्री, ऊपर लिया था 1 डिग्री, तो इसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना किलोमीटर में, तो कितना है, देर इज 111 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री का लेटिट्यूड है उसके ऊपर 1 डिग्री का लेटिट्यूड है, तो उनका डिस्टेंस कितना होगा किलोमीटर में, 111, ठीक है। राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड इज 111 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन, राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड्स इज 111, 111 किलोमीटर। अभी ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उतने पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन, बीच में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इतना जितना पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या आएगा, ट्रॉपिकल के बाद क्या आएगा, थोड़ा ठंडा इलाका रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर रीजन, एकदम पोल पे रहेगा उसको, उसके बीच में थोड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक नो नो टेम्परेट रीजन, आर्ट ओके। राइट डाउन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन, ये 3 रीजन होते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एकदम गर्म है तो ट्रॉपिकल, थोड़ा ठंडा है तो टेम्परेट, और फिर एकदम ठंडा है तो पोलर। अभी ये जो हमारी कंट्रीज है यूएसए, यूके, कनाडा, तो ये किस में आती है, टेम्परेट रीजन में आती है। ट्रॉपिकल रीजन में राइट डाउन रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिका पोलर। हाँ एंटार्क्टिका पोलर में आएगा, आर्कटिक ओशन वगैरह वो सब पोलर में आएगा, ओके। रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट राइट डाउन टेम्परेट रीजन इज द रीजन बिटवीन पोलार एंड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक के ऊपर और जहां पे पोलार शुरू होता है उसको रीजन बिटवीन पोलार एंड ट्रॉपिक रीजन। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्म हुआ ना आपका, फिर उसके ऊपर पोलार, जब तक पोल स्टार्ट नहीं होता नॉर्थ एंड साउथ का 90 डिग्री पे, ठीक है, और पोलार रीजन तो पता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दैट्स इट। लैटिट्यूड समझा ना, कुछ भी इसमें डाउट है क्या, लैटिट्यूड क्या है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड से टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, इक्वेटर दे आर पैरेलल टू इक्वेटर और पूरे सर्कल में रहेंगे, डन। नेक्स्ट राइट डाउन लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड देखना है, ठीक है, डायग्राम में हम देख रहे हैं लॉन्जिट्यूड कैसा है, सेमी सर्कल बना रहे हैं ना, ये देखो नॉर्थ पोल से लेके पूरा नीचे साउथ पोल तक जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है। अभी 0 डिग्री इक्वेटर को लेटिट्यूड में, 0 डिग्री को हमने क्या नाम दिया था, इक्वेटर, तो अभी लॉन्जिट्यूड को भी कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो देखो जो 0 डिग्री पे लॉन्जिट्यूड है उसका क्या नाम दिया है, देखो क्या लिखा है, वो लॉन्जिट्यूड लेटिट्यूड है, आई एम आस्किंग अबाउट लॉन्जिट्यूड, समझ रहा है, अरे सी ऑन डायग्राम ना, बताओ, अभी आया ओके। अभी हमने क्या देखा था, इक्वेटर, इक्वेटर क्या था, 0 डिग्री लेटिट्यूड,
इज कॉल्ड एज इक्वेटर। सो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन। अभी हमने जीएमटी भी तो पढ़ा था, ग्रीनविच मीन टाइम, तो वो कौन सा था? अभी यहाँ पे 0 डिग्री है, इसके अपोजिट कौन सा रहेगा? 180। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के अपोजिट कौन सा आएगा? 180। समझ रहे हैं ना, हाफ सर्कल कितने का होगा? 180। तो उसके अपोजिट जो 1 डिग्री मेरिडियन है ना, वहां से आपकी जीएमटी पास होती है, जो टाइम का हमने देखा था ना, लंदन से पास हुई थी, ग्रीनविच मेन टाइम, जीएमटी का लॉन्जिट्यूड। तो वो कौन सा लॉन्जिट्यूड है? रिमेम्बर, 180। और उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करोगे, वेस्ट में जाओगे तो एक दिन आपका लॉस हो जाएगा, ईस्ट में जाओगे तो एक दिन गेन हो जाएगा, मतलब तारीख आपकी बदल जाती है अगर आप 180 डिग्री क्रॉस करते हो तो। ठीक है, ये सुना रहेगा ना कि दिन आगे पीछे होते, एक दिन का फर्क पड़ता है, सुना रहेगा ना, कहीं पे 30 है, कहीं पे 31 की पार्टी चल रही है, ये पता है कि नहीं? दिन रात तो रहते हैं, वो पता है, ऐसे दिन भी बदलते हैं। कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी रहेगी ना जहाँ पे 24 घंटा पीछे चल रहा होगा, कोई रीजन 24 घंटा आगे चल रहा रहेगा, तो वो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करते हैं ना, तब पता चलता है कि वो एक दिन आगे है कि पीछे है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्जिट्यूड को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइम मेरिडियन। उसी के बैक साइड पे कौन सी आएगी? 180 डिग्री की। सो वो क्या हो जाएगा? जीएमटी, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने लेटिट्यूड देखा था कितना था डिग्री में, 0, 23। फिर पोल पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम लॉन्जिट्यूड देख रहे हैं, तो हमने कैसे देखा? 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड, 1, 2, 3, 4, 180। 180 पे हमने आधा सर्कल कवर किया, फिर 180 इधर भी होगा, तो टोटल लॉन्जिट्यूड आपके कितने हो जाएंगे? 180, 180, 360। ठीक है, तो टोटल डिग्री में कितना होगा लॉन्जिट्यूड? 360 का। और लेटिट्यूड रहेगा तो कैसा रहेगा? एंगल बन रहा है 0 to 90 का। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड क्या है? टाइम कोऑर्डिनेट्स है, इससे हमें टाइम का पता चल रहा है। राइट, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लॉन्जिट्यूड। इट इज अ एंगुलर डिस्टेंस, इट इज अ एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज। लेटिट्यूड में हमने कैसे देखा था? इक्वेटर के ऊपर नीचे था, ये इक्वेटर से कैसा है? ईस्ट वेस्ट में है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट, राइट डाउन, इट इज अ टाइम कोऑर्डिनेट। टाइम का पता चल रहा है ना, तो अभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि लेटिट्यूड बता रहा है टाइम के लॉन्जिट्यूड बता रहा है टाइम, कैसे याद रखोगे? अब हम बोलते हैं ना लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, तभी स्पेलिंग में क्या है लॉन्जिट्यूड के? लॉन्ग लिखा हुआ है ना, LONGIT, तो लॉन्ग से याद रखो कि लॉन्जिट्यूड इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, ये अपनी एक ट्रिक हो गई कि आपको याद रखना है कि कौन सा टाइम है, कौन सा टेम्परेचर है। लॉन्जिट्यूड का याद रखा लॉन्ग टाइम से के लॉन्जिट्यूड क्या है? टाइम कोऑर्डिनेट। और लेटिट्यूड का उसका दूसरा आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा याद रखना है कि कौन सा टाइम बता रहा है, कौन सा टेम्परेचर बता रहा है। नाउ राइट डाउन, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड एज, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। प्राइम मेरिडियन का नहीं लिखा है ना, द फर्स्ट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। द फर्स्ट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अच्छा,
ये लेटिट्यूड में आप लोगों ने लिखा है क्या? दे आर सेमी सर्कल्स और सॉरी फुल सर्कल्स, फुल सर्कल लिखा है ना? ठीक है, अभी लॉन्जिट्यूड कैसा है? सेमी सर्कल्स है। ओके राइट डाउन, लॉन्जिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स, लॉन्जिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल, है ना? नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है तो उसको हम एक लॉन्जिट्यूड मान रहे हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल। अच्छा, किसी को डाउट है? ये समझा अच्छे से लेटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले क्विक रिवीजन, फर्स्ट पेज निकालो। यस इंडिया का देखा हमने। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट्स, सिक्स है ना? आइलैंड नहीं लिखा है तुमने शायद से। ठीक है, कैसा डिवाइडेड है सिक्स पार्ट में? कैसा ऊपर वाला हिमालय है हमारा, तो उसका नाम क्या दिया है? नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। फिर उसके बाद से नदियां आएगी, नदियां क्या करेगी? प्लेन्स बनाएगी, तो सेकेंड रीजन क्या हो गया? नॉर्थन प्लेन्स हो गया। फिर हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट आएगा। ठीक है, फिर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आएगा, कोस्टल रीजन आएंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और फिर क्या है? आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। ठीक है, कोरल आइलैंड कौन सा है? अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप। मिस लक्ष्य यस राइट। और वोल्केनो क्या नाम था? द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज व्हाट? आइलैंड हाँ, वहीं पे है लोकेटेड ना? यस, व्हिच इज द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? बैरन आइलैंड, देखा था ना हमने? बैरन आइलैंड इज द, हाँ। और होमवर्क है ना आप लोगों का, कैप्रिकॉन किससे पास होता है वो देखना है आप लोगों को। हाँ ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? के एल जेड पी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजल। ठीक है, फिर वेरियस माउंटेन्स रेंजेस जो थे हमने देखा था, नल्ला मलाई, पालकोंडा, कहाँ पे थे ऐसे खतरनाक नाम? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अन्ना मलाई, नीलगिरी, कार्डमम, ये हमने साउथ में देखा था। फिर हमने क्या देखा था? ओरिजिन, तीन थेरी देखी थी, नेबुला हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी देखी थी। ओके, फिर प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं हमने देखा। क्या है स्टार्स? गैस का गोला है। ब्लैक होल क्या है? स्टार्स मर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। तो हमने लेटिट्यूड देखा, लॉन्जिट्यूड देखा। ठीक है, अभी हमारा कल क्या देखेंगे? रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, अर्थ का मूवमेंट क्या है वो देखेंगे। फिर रॉक क्या है, ये नाम सुना रहेगा ना? क्रस्ट, मेंटल कोर, अर्थ को अंदर अंदर जाते चाहेंगे तो क्या रहेगा? ऊपर की पहली परत, सरफेस जो है जिसमें हमें सॉइल्स मिलता है, दगड़ मिलता है, दैट इज क्रस्ट। फिर अंदर जाएंगे लोहा वगैरह मिलता है, मेंटल। फिर एकदम अंदर जाएंगे कोर। ठीक है, तो अर्थ क्लासिफिकेशन हमें देखना है। फिर रॉक्स देखना है, रॉक का मैंने बताया था तीन टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये हमें कल देखना है। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनुराग, चित्राक्ष, जिगीशा, प्रद्युम, युगांग? नो नो मैम, मैम। नो मैम, ओके 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 नो मैम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।